कितने लोग चलो बच्चों करें स्टार्ट हम लोग गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून एवरी वन सो इस वी आर जस्ट डिस्कस द बेसिक पार्ट ऑफ इट याद है ना आपको हमने कुछ सिलेबस क्या है अपना वो सीखा था बराबर है ये अपना सिलेबस था आप में से मेरे ख्याल से कल के कंपैरिजन में आप थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास नोट्स रहेंगे बराबर है ना कल और थोड़ा ज़्यादा लोगों के पास रहेंगे दो तीन दिन में सबके पास नोट्स रहेंगे है ना जो लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हैं या दूसरे क्लास में अटेंड कर रहे हैं मैं आपको बता दूं कि आपको सिर्फ एक थ्री फोर डेज में भी इस वीकेंड तक आपको दूसरे अलग अलग क्लास में बैठना है बाद में सब लोग हम एक ही क्लास में रहेंगे फेस टू फेस और एवरी वन ओके ये दीवार अपन चेंज ही कर देंगे चलेगा ना और उसके लिए थोड़ा सा एक दिन का टाइम की जरूरत रहती है तो वो कर देंगे तो ऑल द स्टूडेंट्स विल बी इन अ सिंगल क्लासरूम सेल्फ ओके तो अपने को ऐसे इधर कुछ छह लोग बैठे हैं उधर 200 300 है 400 है इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी ठीक है एवरी वन विल बी फेस टू फेस माई फ्रेंड्स ओके बट यू नीड टू गिव सम टाइम टू ऑल ऑफ अस चल सकता है ना ऐसे तो तब तक एडजस्ट करेंगे ना बच्चों यस yes. चलो फिर करें स्टार्ट हम लोग करें स्टार्ट हम लोग

तो उसको इंक्लूड करने के लिए हमने कॉस्ट का क्या डेफिनेशन और थोड़ा बेटर कर दिया क्या डेफिनेशन है फिर कॉस्ट का कॉस्ट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइज मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव टू टू ऑब्जेक्टिव प्रोड्यूस द गुड्स एंड ऑब्लिक और रेंडर द सर्विसेस सही है बच्चों सो दिस वॉज द डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अब मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ये तीन टर्म्स सेम है या डिफरेंट है कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू ये तीन टर्म सेम है या डिफरेंट है डिफरेंट आर यू श्योर बट कभी, -कभी हम प्राइस बोल देते क्या इसका क्या कॉस्ट है इसका क्या प्राइस है कभी कभी बोल देते हम लोग कि भाई ये पेन का कॉस्ट क्या है ये पेन का प्राइस क्या है हमें बोलना है एक्चुअली कॉस्ट ही है या प्राइस ही है बट हम बोल रहे कॉस्ट मतलब ये किसी के लिए प्राइस है किसी के लिए कॉस्ट है वाइट पॉसिबल Yes or no. अब जो, जो समझो आपने लेट सेवन थाउजेंड रुपीज में लिया है मेरे लिएउसेंड कॉस्ट है करेक्ट और नॉट तो ये तो पर्सन टू पर्सन अलग अलग हो सकता है ना किसी के लिए वो प्राइस है किसी के लिए वो कॉस्ट है करेक्ट है बट ये तीन टर्म में डिफरेंस है डेफिनेटली

सेलर इज अ प्राइस अब इंपॉर्टेंट टर्म आ गया वैल्यू मतलब क्या वॉट इज वैल्यू वॉट इज वैल्यू अब वैल्यू ये एक सब्जेक्टिव टर्म है इट इज जस्ट लाइक यूटिलिटी दैट यू स्टडीड इन फाउंडेशन इकोनॉमिक्स वैल्यू इज द रिलेटिव वर्थ इज द रिलेटिव वर्थ डिराइड बाय द कंज्यूमर डिराइड बाय द कंज्यूमर कैन वैल्यू बी डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन

नहीं है जस्ट लाइक यूटिलिटी यस और नो तो वैल्यू इज डिफरेंट फ्रॉम कंज्यूमर टू कंज्यूमर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वैल्यू चेंजेस बिकॉज वैल्यू इज द ओपिनियन वैल्यू क्या है ये ओपिनियन है कस्टमर का ओपिनियन है एंड दैट चेंजेस ऑल्सो फ्रॉम टाइम टू टाइम पर्सन टू पर्सन ये अलग भी रह सकता है तो बेसिकली अगर एक लाइन में डिफरेंस बताना है तो कैन आई से कॉस्ट इज अ फैक्ट कॉस्ट क्या है

लेक्चर से कॉपी करने का बट मैं सजेस्ट करूंगा कि नोटबुक में लिखो बेटर रहेगा ना बच्चों तो अब हमें देखना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू तो चलो टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस लिखते हैं प्रॉपर कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का तो चलो लिखता हूं मैं पहला कॉलम कॉस्ट का पेज नंबर पता नहीं क्या पता कर लो पता कर लो ये पेज नंबर ये है पेज नंबर ट्वेंटी सिक्स तुम्हारे नोट्स का अब आपको लगेगा सर ट्वेंटी सिक्स पे कैसे गए तो क्या पढ़ना है कि आप थोड़ा सा मुझे टाइम देना पड़ेगा ना आपको मैंने बोला था कल, वन पे, एक बुक है या तीन बुक है अपने पास तीन बुक है तो कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस अपन सीखने वाले कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू इसका डिफरेंस अपन टैबुलर फॉर्म में लिखेंगे बच्चों कॉस्ट प्राइस अच्छा मुझे बताओ यहाँ पे जो ब्लैंक मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है ये स्पेस देख के आपको कुछ हिंट मिला क्या इसके आंसर का मिला क्या और ये और हिंट है इधर तो हिंट इतना मिला रहेगा कि डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं है तीन चार ही डिफरेंस है ये हिंट है है या नहीं चलो बताओ क्या ना इसे फर्स्ट डिफरेंस इज फर्स्ट डिफरेंस इज कॉस्ट इज अ फैक्ट कॉस्ट क्या है बोलो फैक्ट इस इज एन बोलो प्राइस इज अपिनियन या पॉलिसी है प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन वैल्यू इज एन ओपिनियन कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी एंड वैल्यू इज एन ओपिनियन वैल्यू इज एंड ओपिनियन अच्छा मुझे बता प्राइस इज अ पॉलिसी का क्या मतलब रहा मुझे नहीं समझ रहा है कॉस्ट इज अ फैक्ट वो समझा Cost fact है है ना? Price policy है बराबर ना मतलब मतलब क्या क्या मतलब क्या ये CFA में था था पहले बहुत बड़ा था कम कम से थे जहां पे अलग अलग तरीके के प्राइस रहते थे कॉस्ट प्लस प्राइस आर ओरिएंटेड प्राइसेस कंपटीशन ओरिएंटेड प्राइसेस समझ रहे आपको ये देन लेट्स से स्कीमिंग प्राइसिंग पॉलिसी पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी क्लॉक टाइम डिफरेंशियल प्राइसिंग पॉलिसी कैलेंडर टाइम है इंटरमीडिएट में बट प्राइस एक पॉलिसी क्यों होता है वो डिस्कस जरूर करना है अच्छा मुझे बताओ मल्टीप्लेक्स में अगर समझो मुझे अभी गदर टू मूवी देखना है सैटरडे नाइट को एंड समझो ये लड़के को देखना है मंडे को सुबह आठ बजे तो हो सकता है कि मुझे पांच सौ रुपए देना पड़ेगा एंड इसका काम सत्तर रुपए में हो जाएगा क्वाइट पॉसिबल सेम थिएटर सेम चेयर सेम सनी देवल बराबर है ना सेम डायलॉग सेम एसी सेम माहौल समझा या नहीं क्यों उसका काम सत्तर रुपए में हो रहा है टाइमिंग अलग अलग है तो कहना है थिएटर का प्राइसिंग पॉलिसी अलग है थिएटर का प्राइसिंग पॉलिसी अलग है यस और नो अच्छा समझो आप कोई लेट से इंटरनेट कनेक्शन ले रहे हो घर पे लेट से जियो फाइबर वो बोल रहा है कि भाई आप ये जियो फाइबर इंस्टॉल कर दो आपको अभी सिर्फ हजार रुपए देना है छह महीने फ्री है समझा क्या एंड फिर छह महीने के बाद आपको मैसेज आएगा कि अभी आपको मंथली पंद्रह का रिचार्ज करना है यस और नो तो शुरुआत की एक महीने को दो सौ भी नहीं था बाद में तो पंद्रह सौ रुपए है ऐसे क्यों इसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी क्या बोलते हैं? पेनिट्रेशन प्राइसिंग पॉलिसी, जो आपके साथ किया जी। रिलायंस जियो ने बराबर है कि नहीं लोग बोलते थे नहीं 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 मैं एयरटेल को बहुत लॉयल मैं बहुत लॉयल उधर से जियो बोल रहा है फ्री ये फ्री वो फ्री और मैं लॉयल तो हूं एयरटेल को नहीं छोड़ूंगा नहीं ये भी फ्री वो भी फ्री फिर उसको बोल रहा है वैसे तो मैं एयरटेल को बहुत लॉयल हूं बट दूसरा कार्ड जियो का ले ही लेता हूं और दीरे, 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 क्या बोले एयरटेल का रेंज ही अच्छा नहीं है एयरटेल आ गए जियो पे है या नहीं छोड़ दिया आइडिया के साथ का लॉयल्टी बराबर है कि नहीं और नो कितने साल थे आप लोग बट आइडिया का जो भी कुछ आपके पास वोडाफोन जो भी था जियो तो तो एक ऐसा प्लेयर है लॉस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम करेक्ट और नॉट मुकेश अंबानी के लिए क्या है मुकेश अंबानी बताया अच्छा कितना लॉस हो रहा है बारह सो करोड़ इट्स ओके okay. बारह सो करोड़ इट्स ओके बोलने वाले कम प्लेयर है ना इंडिया में यस yes और कल जाके जस्ट इमेजिन करो यहाँ पे इसके बाजू में प्रेस्टीज पॉइंट से दस गुना बड़ा बिल्डिंग बना दिया समझो मुकेश अंबानी ने बोल दिया सीए कोचिंग ओके हम बोल रहे कि हमारे साथ कॉम्पीट नहीं कर पाओगे मुकेश अंबानी बोलेगा अच्छा कॉम्पीट नहीं कर पाओगे देखते चलो मुकेश अंबानी अनाउंस कर देगा अकोमोडेशन फ्री फूड फ्री कोचिंग फ्री एक साल नहीं सीए बनने तक तुम बोलोगे नहीं नहीं, नहीं, नहीं विनोद रेड्डी

फिर उसके बाद मुकेश अंबानी बोलेगा सीए कोचिंग पांच लाख फीस एंड तब दूसरा कोई प्लेयर ही नहीं रहेगा एंड कोई प्लेयर आ भी नहीं पाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को भी बोल देगा कि किसी को भी कोचिंग सेंटर स्टार्ट करना है तो पच्चीस डिपार्टमेंट से एनओसी चाहिए दो ही मत उसको मोदी बोलेगा yes, समझ रहे दिस जोक्स अपार्ट बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पॉलिसी भी भी होता है बता रहा हूँ की प्राइसिंग एक पॉलिसी होता है प्राइसिंग क्या होता है एक पॉलिसी होता है समझा के आप अलग अलग मैं थियेटर का एग्जाम्पल दिया अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस अच्छा मुझे बताओ आईफोन आपको सस्ते में बेच रहे हो वो सोच रहे क्या काम करते, दस में या में बेचते बेचते, या लोगों को आदत लगाते आप, आ, की, और उसके बाद में ज़्यादा करेंगे। वो वो ऐसा करते क्या? आई फोन लाख बराबर आएगा चलो डेढ़ लाख रुपए एक लाख साठ हजार कुछ ही दिनों में वही फोन रहेगा सत्तर हजार में कुछ दिनों में वही फोन चालीस हजार में आ जाएगा करेक्ट और नॉट

वो करो. करो. अच्छा मुझे बताओ थोड़ा बहुत पंद्रह हजार का भी फोन लॉन्च कर सकता है इंडिया में बट उनको करना खरन, नहीं है आज क्योंकि उनका वो पॉलिसी है वो सोचता है अगर, अगर एप्पल आने लग गया तो फिर जो डेढ़ लाख में ले रहा है उसकी क्या इज्जत रह गई एंड उसको बाय करने का क्या मोटिवेशन है

वही समोसा थोड़ा अच्छा पैकिंग थोड़ा सब कुछ ये टाइप का एयरपोर्ट के अंदर हजार रुपए का रहेगा एयरपोर्ट के फर्स्ट क्लास के लॉबी में हजार रुपए में जानते कि भाई यहाँ पे आने वाला कस्टमर कौन है अच्छा वहां पे मिनरल वाटर का बॉटल तीन सौ रुपए में आधा लीटर आप समझ रहे हो वो जानते कि यहां पे आने वाला कस्टमर कौन है एग्जैक्टली करेक्ट और नॉट तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइस समझ रहा है आपको ये अलग अलग एरिया में अलग अलग प्राइस अच्छा अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस ऐसा भी होता है क्या अलग 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 कस्टमर को प्राइस होता है कभी कभी से हॉस्पिटल में गए आप लोग सुन रहे हो क्या समझो मैं जनरल वार्ड में एडमिटेड हूँ एंड समझो ये डिलक्स वार्ड में एडमिटेड है सुपर डिलक्स वार्ड एक ही हॉस्पिटल लेकिन हम दोनों का मान लो एक पर्टिकुलर ऑपरेशन है सुन रहे हो क्या ऑपरेशन थिएटर में मुझे भी लेके जाए

समझा या नहीं अब बता अलग अलग कस्टमर अलग अलग प्राइस ये बोल रहा है भाई, ये हजार पर डेटर तो विजिटिंग रूम समझ रहा है क्या गेस्ट को बैठने के लिए सोफा टीवी इंटरनेट कनेक्शन क्या क्या फायदा पंद्रह हजार रुपए पर डे पे कर रहा है तो करो ऑपरेशन के भी पांच लाख पे मेरे लिए तो सिर्फ थर्टी थाउजेंड है ना भाई

आर यू अंडरस्टैंडिंग अल्टीमेटली वैल्यू क्या है फिर बोलो ओपिनियन वैल्यू क्या है ओपिनियन तो चलो पहला डिफरेंस क्या था कॉस्ट इज अ फैक्ट प्राइस इज अ पॉलिसी वैल्यू वैल्यू इज इज एन एन ओपिनियन सेकंड एक काम करेंगे कॉस्ट का डेफिनेशन लिखेंगे कॉस्ट क्या है फिर बोलो इट इज आपको पता है ऑलरेडी बोलो मॉनेटरी वैल्यू बेटर डेफिनेशन लिखेंगे ना इट इज अ बोलो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल कुछ बोला करो, रहो। थोड़ा सा, देखो मैं वापस बता दो आपको दो चार दिन आपको थोड़ा लगेगा की सर क्या ये बट कोई वो तो कोई, कहीं पे भी होने वाला है ना यार कोई भी चीज आप कहीं पे आप कभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का क्लास किए रहेंगे डे नंबर वन एक्सट्रीम कम्फर्टेबल ऐसा नहीं होता है अच्छा आप में से कई सारे लोगों ने फाउंडेशन क्लास किया डे नंबर वन मैथ्स में एक्सट्रीम कंफर्टेबल ऐसा नहीं होता है थोड़ा टाइम लगता है कि नहीं और आप बहुत अच्छे से कुछ सब कुछ सीखेंगे ये सब कुछ दिखाई दे रहा है आपको ना इट इज द मॉनिटरी वैल्यू ऑफ ऑल सेक्रीफाइजेस में टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव एंड प्राइस क्या है बोलो इट इज द मोनिटरी कंसिडरेशन इट इज द मोनिटरी कंसिडरेशन मॉनिटरी कंसिडरेशन टू बी पेड बाय दू बी पेड बाय दिख देते चलेगा क्या बाय दिख सकते मॉनिटरीशन उसी को प्राइस बोलेंगे ना हम लोग बट उसी को बायर कॉस्ट बोलता रहेगा तो वो बात अलग है समझ रहेगी नहीं सेलर तो उसको क्या बोलेगा प्राइस यस ऑर नो एंड यहां पे लिखेंगे इट इज द इट इज द रिलेटिव वर्थ इट इज द बोलो रिलेटिव वर्थ डिराइड बाय कंज्यूमर डिराइड बाय बोलो कंज्यूमर कंज्यूमर लिखा मैंने यहां पे कस्टमर नहीं लिखा क्यों ऐसे क्योंकि कस्टमर एंड कंज्यूमर अलग अलग रह सकता है ना कभी तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए लेट से एप्पल फोन खरीद के आपको दिया तो तुम्हारे पापा हुए कस्टमर एंड आप हुए कंज्यूमर करेक्ट है मेरे ने मान लो मेरी बेटे के लिए मान लो कोई कपड़े लिए तो मैं कौन हुआ कस्टमर बट कंज्यूमर इज समवन एल्स मेरा बेटा कंज्यूमर हुआ उसके लिए यस और नो तो कॉस्ट इज अ क्या है बोलो मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस में पार्टिसिपेट करो बच्चों आपको मजा आएगा कॉस्ट इज अ Monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. Price is the monetary consideration to be paid by the buyer to the seller. Value is the relative worth derived by consumer, which can be different from time to time. Next, cost is ascertained from manufacturers. Cost is ascertained from manufacturer or Producers point of view, do you agree cost manufacturer or producers point of view, can I say price is ascertained from sailors point of view, yes or no, price is ascertained from below sellers' point of view, do you agree my friends and value is ascertained from, कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू इज असर्टेन फ्रॉम कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री माई फ्रेंड्स मैन्युफैक्चर और पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा मैन्युफैक्चर एंड सेलर हमेशा सेम होता है या अलग भी रह सकता है अलग भी रह सकता है करेक्ट और नॉट एप्पल फोन आपने लिया है तो उसका मैन्युफैक्चर एप्पल कंपनी है बराबर है ना बट आपको तो जेएम डीलर ने बेचा है ना यार वो सेलर हुआ उसका आपने होंडा किया है उसका प्रोड्यूसर ही बट आपने तो, तो, yes no? तो, तो पुणे में जो उसका डीलर है उससे बाय किया हुआ है ना तो डीलर सब डीलर अलग अलग कि नहीं आपने कोई साबुन बाय किया है तो डायरेक्ट कंपनी में जाके बाय किया है क्या

डिस्ट्रीब्यूशन चैनल डीलर सब डीलर बराबर है यानी नहीं बहुत सारा चैनल है इसके बीच में राइट जैसे कि समझो कंपनी दिल्ली में हेड ऑफिस है समझो उसके बाद में महाराष्ट्र डिस्ट्रीब्यूटर पुणे डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर पुणे सिटी डिस्ट्रीब्यूटर सिंहगढ़ रड रोड डिस्ट्रीब्यूटर उसमें सन सिटी रोड डिस्ट्रीब्यूटर उसके अंडर पच्चीस शॉप है आप कस्टमर वहां पे जाके बाय कर रहे हैं अब बताओ कंपनी से लेके तुम्हारे बीच में दस लोगों का कमीशन है है या नहीं दस लोगों का बीच में थोड़ा थोड़ा कमीशन रहेगा या नहीं इसको पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बोलते है? क्या बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तो आपके लिए आप जिससे बाय किए वो तुम्हारे लिए सेलर हुआ ना बच्चों तुम्हारे लिए कौन हुआ वो सेलर तो प्राइस इज असर फ्रॉम सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यू फ्रॉम बोलो कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू चलो अगर समझो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस वैल्यू दो मार्क लिख पाओगे क्या इतना ही लिखना है और कुछ भी अननेसेसरी ऐसे नहीं लिखना है उसमें समझ रहे हैं ना

ऑफ कॉस्ट करेक्ट है अच्छा कभी समझो मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक, एक कारपेंटर को बोला कि भाई यहां पे थोड़ा स्टेज का हाइट बढ़ा दे यहाँ पे थोड़ा ये ग्रीन ग्रास डाल दे यहां पे पर्दा वर्दा लगा दे दे ये सेटअप ऐसा कर देट पे जो थोड़ा पहले, पहले बैच में थोड़ा अलग था समझा क्या तो उसने क्या किया रहेगा हा? हाँ बोलो बोलो उसने क्या किया रहेगा मैं उसको बोला भाई कितना पैसा लगेगा इसका बोल सब करने का तो उसने क्या क्या रहेगा

तो उसने क्या किया कॉस्टिंग किया ना उसका क्या किया कॉस्टिंग समझो मैंने समझो एक नया ऑफिस लिया और किसी को बोल दिया कि यहां पे इंटीरियर डिजाइनिंग करना है क्या करना है इंटीरियर डिजाइनिंग करना है ओके okay. तो इंटीरियर डिजाइनिंग ने मुझे चार्जेस बताने के पहले क्या किया रहेगा बोलो कॉस्टिंग उसका कॉस्टिंग क्या रहेगा कि नहीं तो कॉस्टिंग क्या होता है हाँ बोलो इट इज द प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट इट इज अ बोलो प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आई होप अंडरस्टैंडिंग दिस या अब ऑफ कॉस्ट के लिए ना बच्चों अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं अलग अलग बोलो इंडस्ट्री में अलग अलग मेथड्स यूज होते हैं जैसे कि अब बताओ एक होटल इंडस्ट्री में कॉस्ट असरटेनमेंट करने के लिए वो सर्विस कॉस्टिंग यूज करते हैं क्या करते हैं कॉस्टिंग बट समझो मैंने एक बाइक सर्विसिंग के लिए दिया क्या किया बाइक सर्विसिंग के लिए दिया तो मेरे बाइक के 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 सर्विसिंग लिए लिए कितना खर्चा आएगा ये कैलकुलेट करने दे दे यूज जॉब कॉस्टिंग मतलब विनोद रेड्डी के बाइक का सर्विसिंग ये उनके लिए एक जॉब हुआ ना बच्चों तो, तो क्या कर रहे हो लोग कौन सा कॉस्टिंग यूज कर रहे जॉब कॉस्टिंग समझ रहे कोई कॉस्टिंग कोई एल जैसी कंस्ट्रक्शन कंपनी दे माइट बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग दे माइट बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग समझो एक आध कोई शुगर इंडस्ट्री है जहां पे एक रॉ मटेरियल से तीन चार प्रोडक्ट एट ए टाइम बनते है समझाया नहीं दे माइट बी यूजिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग दे माइट बी यूजिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट

तो कौन सा कॉस्टिंग यूज होगा प्रोसेस कॉस्टिंग क्या यूज होगा प्रोसेस कॉस्टिंग तो इतना तो समझ ही रहा है कि अलग अलग इंडस्ट्री में बोलो अलग अलग मेथड्स यूज होते रहेंगे अलग अलग एंड ये अलग अलग इंडस्ट्री के जो अलग अलग मेथड्स है वही अपने चैप्टर से आगे समझता है क्या प्रोसेस कॉस्टिंग चैप्टर एक सर्विस कॉस्टिंग चैप्टर एक ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग एक चैप्टर है यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग चैप्टर है समझा या नहीं तो आप आप ये मत बोलना कि आज शॉर्ट में बता दिया सब कुछ आप समझ रहे हो क्या ये अपने एक एक चैप्टर से मेरे भाई अपन राइट साठ क्वेश्चन सोल्व करने वाले तो ये सब तो आएगा इन डिटेल में आज तो तो मैं अभी तो बेसिक सिखा रहा आपको इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का नाम है अभी समझ रहा है क्या तो बोलो वट इज कॉस्टिंग आंसर दो वॉट इज कॉस्टिंग प्रोसेस ऑफ असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट तो थोड़ा और डिटेल करते वेरियस मेथड्स वेरियस Methods, various, बोलो, methods, कुछ मेथड है और कुछ टेक्निक्स है कौन से मेथड है और कौन से टेक्निक्स है ये तो मैंने सिलेबस में लिखी दिया आपको ये और नो कौन से मेथड्स है और कौन से टेक्निक्स है ये तो मैंने आपको कल सिलेबस में लिखे दिया था कि नहीं कुछ चैप्टर जो है वो मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग है और कुछ चैप्टर जो है वो क्या है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग है तो और एक बार बताओ व्हाट इज कॉस्टिंग हां चलो बोलो वेरियस मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स यूज्ड फॉर अサーटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आर नोन एज कॉस्टिंग बस लिखो इतना वेरियस मेथड्स वेरियस मेथड्स ऑब्लिक टेक्निक्स वेरियस मेथड्स, ऑब्लिक टेक्निक्स यूज फॉर यूज फॉर बोलो मेरे भाई असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट यूज फॉर असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट आर नोन एज आर नोन एज बोलो आर नोन एज कॉस्टिंग फिर कॉस्टिंग टेक्निक्स है कुछ कॉस्टिंग में कुछ मेथड्स है समझा गया आपको ये जैसे कि अभी आपको लिखना है यहां पे तो लेट से जॉब कॉस्टिंग क्या बोल रहा है ये जॉब कॉस्टिंग देन यूनिट ऑब्लिक बैच कॉस्टिंग उसके बाद क्या है बोलो सर्विस कॉस्टिंग प्रोसेस कॉस्टिंग सब जगह पे कॉस्टिंग ये वर्ड यूज हो रहा है कि नहीं प्रोसेस कॉस्टिंग देन जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट कॉस्टिंग समझ रहा है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग अपने सिलेबस में नहीं है बट मेथड तो है ना आपको लगता नहीं सर ये ये मेथड है मेरे भाई अपने सिलेबस में नहीं है आपसे समझता है क्या आपको ये ये क्या है बोलो ये सब क्या थे मेथड थे या टेक्निक्स थे ये थे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग आपको लग रहा है क्या ये मैं दोबारा लिख के दे रहा हूं कल सिलेबस में भी ये लिख के दिया था ना मैंने बट कल मैंने लिख के देते तो बोला था कि ये भाई चैप्टर एंड देन कॉमा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नेक्स्ट बजेट एंड बजेटरी कंट्रोल बजेट एंड बजेटरी कंट्रोल ये क्या है मेरे भाई ये क्या है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग ये क्या है टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग बोला ना इसने टेक्निक्स ऑफ क्या बोला कॉस्टिंग तो अब बताओ अब देखो ये कोई एज इट इज एग्जाम में ऐसा बहुत कम चांस है कि आएगा बट अपने को सब कुछ अब मैं अपनों को आपको जैसे कल बताया वी हैव टू स्टडी एवरीथिंग राइट फ्रॉम द स्क्रैच समझ है आपको तो बोलो व्हाट इज कॉस्टिंग हाँ बोलो जल्दी व्हाट इज कॉस्टिंग

कॉस्ट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल सैक्रीफाइस मेड टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव इन सिंपल वर्ड कॉस्ट इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और रेंडरिंग सर्विसेज़। ऐसा बोला तो भी ठीक है इन सिंपल वर्ड बोल के समझ रहा है आपको ये तो कॉस्ट व्हाट इज कॉस्ट लिख पाओगे What is difference between cost, price, value? Three difference. Vada, vada, vada. Cost is a fact. Price is a policy. Value is an opinion. Cost is a certain from manufacturer or producer's point of view. Price from seller's point of view. Value from consumer's point of view. Cost is a monetary value of all sacrifices made to achieve an objective. Price is the monetary consideration to be paid by the buyer to the seller. Value is the relative worth derived by the consumer. Relative worth derived by the hmm, प्राइस ये पॉलिसी क्यों होता है इसके एग्जाम्पल्स मैं आपके नॉलेज के लिए दिया सिर्फ इसका कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता समझ रहा क्या बच्चों के लिए बताया अलग अलग टाइम पे अलग अलग प्राइस अलग अलग कस्टमर को अलग अलग प्राइस जैसे मैंने बोला आपको penetration pricing. Penetration pricing क्या था? अरे, करना बोलते नहीं हम लोग समझो मैंने बोल दिया कॉस्टिंग का बैच तीन सौ रुपए प्लस जीएसटी फीस कितना मेरे जैसा ऐसा प्लेयर नहीं करेगा बट हो सकता है, anyway, है, है यूट्यूब पे बैच रहेगा पूरा फ्री तीन सौ रुपए प्लस जीएसटी तीन सौ रुपए फीस रहेगा जीएसटी तो रहेगा भी नहीं उसके लिए समझा क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है क्या करने की कोशिश कर रहा है पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहा है मार्केट को मतलब सोच रहा है कि चलो भाई बाकी आप मेरा कोई नाम नहीं जानता बट चलो तीन सौ रुपए देखिए तो कोई ना कोई आ जाएगा मैं उनको बहुत अच्छा सा पढ़ाऊंगा कुछ करूंगा मैं फ्यूचर में नाम करूंगा अपना इज ट्राइंग ट्राइंग टू टू यूजिंग यूजिंग प्राइस 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 तो price को अपनाट्रेट करने के लिए अलग अलग तरीके रह सकते हैं कि नहीं फिर पेनीट्रेशन प्राइसिंग स्कीमिंग प्राइसिंग जो मैंने एप्पल का एग्जाम्पल दिया था आपको वो क्या कर रहे कम चार्ज करे क्या शुरुआत में नहीं दे आर चार्जिंग प्रीमियम इनफैक्ट दे आर चार्जिंग प्रीमियम वो बोल रहा है कि भाई ये ब्रांड इमेज ही हमने ऐसा बना के रखा है कि लोग पच्चीस हजार रह के करेंगे। हम बोलेंगे कि एक तो एक करेंगे, so, तीस रुपए के बाय करते थे, थे हम लोग कॉलेज लाइफ में कितने में तीस रुपए में वो भी लगता था महंगाई ऐसे रस्ते फुटपाथ पे खड़े रह गए नहीं आते बस रुपए में पच्चीस हजार के पच्चीस हजार का ये रह सकता है क्या ऐसे किसी दस पंद्रह साल पहले किसी को पूछा होता ना तो वो बोलेगा कि क्या मतलब उसमें क्या क्या गोल्ड वगैरह लगा रहेगा रहेगा सोने का ए, रहे ऐसे ही वो ना लोग बट आज आज है आज है कि नहीं बताओ या नहीं बताओ उन्होंने ब्रांड इमेज ऐसा बना के रखा है आप समझ रहे हो क्या एंड दे चार्ज प्रीमियम प्राइस टू फ्यू कस्टमर्स और नॉट एंड लेटर ऑन दे रिड्यूस द प्राइस प्राइसो प्राइसिंग पॉलिसी होता है प्राइसिंग

ये सब थीरी पीछे प्रिंटेड भी है समझ रहा है क्या बट सब कुछ अपने को लिखना है हां बोलो कॉस्ट कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द द इनकर्ड इन बिजनेस तो जैसे तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस अलग अलग रहेगा वैसे तुम्हारे रिकॉर्डिंग के तरीके भी चेंज हो गए एक होटल के लिए कॉस्ट रिकॉर्डिंग का मेथड अलग हो सकता है एक कोचिंग सेंटर के लिए अलग रह सकता है एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के लिए अलग रह सकता है एक लॉजिंग बोर्डिंग बिजनेस के लिए अलग रह सकता है

पहले तो कॉस्ट कौन सा कौन सा इनकर हो रहा है आपने को देखना पड़ेगा उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट क्या बोलो एंड ऑफ कॉस्ट एंड अप्रोप्रिएट अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्टेज में है अपन इस बैच के बच्चों बट आप मुझे बताओ इमेजिन करो लेट्स टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी सुना है आपने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज के प्रीमाय है लेट्स से चिंचवड़ में ओके okay? जो भी है इस एरिया में पुणे के बाहर है समझो थोड़ा समझो उनका एक हजार एकड़ का कैंपस पूरा प्रीमाइसिस से कितने है? एक हजार एकड़ उसमें से समझो कुछ जगह पे टाटा मोटर्स है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टाटा स्टील समझ रहे क्या आपको ये टाटा पावर बहुत सारे टाटा के हजारों ब्रांड्स है हजारों समझ रहे हंड्रेड ऑफ कंपनीज है उसके अंडर एंड थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स है यस और नो अब बताओ तो बड़ा सा एंट्रेंस बनाया उन्होंने समझो बड़ा सा है, उसका जो है, वो साल है, दस करोड़ रुपए कितना जो एंट्रेंस पे काम कर रहा है अब मुझे बताओ ये हजार एकड़ के अंदर एक कंपनी है टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स के पचास प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट है टाटा हैरियर समझ रहा है क्या टाटा हैरियर के दस मॉडल में से एक मॉडल है समझो कोई तो आप बताओ उसके कॉस्ट कॉस्ट में में उस कार के सिक्योरिटी का के भी खर्चा आना चाहिए कि नहीं बताओ आना चाहिए कि नहीं बताओ yes no. आप मुझे यस और नो जनरली अपन दूसरे के बिजनेस में मैं कल भी बता रहा था आपको दूसरे के बिजनेस में अपन जब जाते हैं तब वी इग्नोर मेनी कॉस्ट वी इग्नोर मेनी कॉस्ट हम लोग सिर्फ एक जो हम कहीं गए होटल में गए खाना खाए हम लोग क्या सोचते हैं क्या तो प्राइस है यार इसका क्या तो कॉस्ट रहेगा हजार रुपए में बेच रहे लूट रहे बस लोगों को बोलते कि नहीं हम लोग कई बार लूट रहे बोलते रहेंगे कोई दूसरा वर्ड यूज करते रहेंगे बट सो मेनी टाइम्स वी से लाइक दैट और नॉट बहुत बड़ा प्रॉफिट मार्जिन रहेगा इनका समझा क्या सिंपल एग्जाम्पल समझो मैं मेरी मम्मी को लेके एक बार एक फाइव स्टार होटल में खाना खाने गए मेरी मम्मी और मैं सुन रहे हो कार में गए हम लोग वैले पार्किंग को कार दे दी वो जब वापस लाके देता है तो कार धोके भी देता है पूरा होता है ना समझ रहे आप तो वाले वाले को कार दे दी हम गए वहां पे बड़ा झूमर था वो तो फाइव स्टार ऑडर की लॉबी समझ से हो वहां पे अच्छे सोफा वगैरह लगाए थे वहां पे बैठ गए हम वेटिंग में पाँच दस मिनट दो चार सुंदर लड़कियाँ आई गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग मैम गुड इवनिंग सर पानी हो दी कोई एक आता वेलकम ड्रिंक भी दे दिया समझा क्या अभी तक तो ऑर्डर भी नहीं दिया हमने खाना खाने वाले या नहीं ऐसे ही घूमने आए वो भी पता नहीं बराबर है कि नहीं वेलकम तो बोला पहले कार लेके गया पार्किंग में यस और नो हम लोग बैठ गए उधर वेलकम ड्रिंक भी लिए उसके बाद में हमने कोई टेबल बुक कर दिया समझो लास्ट रोड तो पेल से स्विमिंग पूल के बाजू में अच्छा टेबल तो वहां पे टेबल अच्छा सा था जो भी कुछ है हमने वहां पे जाके ऑर्डर दे दिया ओके नॉर्मल पंजाबी खाना खाया समझो हमने सुन रहे हो क्या या कोई जो भी कुछ है पिज्जा पास्ता इट इज समझो हमने एक आ, पनीर बटर मसाला का ऑर्डर दे दिया एग्जाम्पल क्या पनीर बटर मसाला समझो मेरी मम्मी जस्ट आउट ऑफ क्यूरो पूछ रही है बेटा वैसे तू पैसे तो तू ही देने वाला है बट क्या पनीर बटर मसाला का क्या प्राइस है मैं बोला कि मम्मी ये रहेगा कुछ अठारह सौ रूपए का कितने का अठारह सौ रुपए का मम्मी बोल रही है कि बेटा वन थाउजेंड सेवन हंड्रेड एट्टी रुपीज प्रॉफिट है इसमें 1780 रुपइस इसमें प्रॉफिट है बोलो मैं बोलो ग्रेट कैलकुलेशन पोस्टिंग के टीचर की मम्मी मतलब मजा थोड़ी है है कि नहीं मम्मी जरा एक्सप्लेन भी करो मम्मी बोल रही थी पनीर ये जो भी कोड मसाला ये सब मिला जुला की कुकिंग का खर्चा और जमा की बहुत हो गया 20 रुपए बहुत हो गया वो भी सर के ऊपर से पानी गया 20 रुपए 1780 रुपए प्रॉफिट कमा रहे एक कंपनी समझ रहा है क्या अच्छा मैंने वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखे समझो ऑनलाइन दिख रहा है कि लॉस में? समझा क्या? क्या, तो क्या आपको एक ही खर्चा है क्या भाई अच्छा वो आप बताओ वो जो आप इंटर में लॉबी किए वो सुंदर लड़की गुड इवनिंग सर बोली पचास हजार सैलरी है उसको दिन में चार गुड इवनिंग बोल रही है है कि नहीं गुड इवनिंग तीन सौ रुपए का है और नो का yes no. कार पार्क कर दी कार धोखे दे दी उसने उसका सैलरी है पच्चीस हजार रुपए वो जहाँ पे आए ना ये होटल जहाँ पे है वो जगह तीन सौ करोड़ की है उसमें लोन लिया उसने दो सौ करोड़ का जिसका एनुअल इंटरेस्ट पच्चीस करोड़ है समझाया नहीं डेप्रिसिएशन अलग मेंटेनेंस अलग पुणे में आ रहा है क्या, नहीं? क्या खर्चा एक है मेरी मम्मी डायरेक्ट सेल्स एंड प्राइम कॉस्ट का डिफरेंस देख रही है प्राइम कॉस्ट प्राइम कॉस्ट क्या बताऊंगा आपको बट ये कैजुअल है कि नहीं तो आप बताओ प्रॉपर कॉस्ट का रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि नहीं अपने को Yes or no. तभी हम प्रॉपर डिसीजन, डिसीजन ले पाएंगे ऐसे ही कैजुअली अगर आपन प्राइस डिसाइड कर लिए तो बस रटा मारना है को? समझ के जाना है ना आगे समझो एक सिंपल एग्जाम्पल लेटे मैं लेट से एक uh, दसवीं फेल इंसान हूँ एंड मुझे समझो बाकी कुछ आता जाता है नहीं बट मैं ड्राइविंग बहुत अच्छे से कर लेता हूँ तो मैंने सोचा कि भाई अपने कार बाय कर लेते क्या कर लेते एंड लोग आएंगे में एक खरीद लिया, का कितना छोटा उस पर एक ऑफिस बॉय भी रख दिया कोई आ गया तो बराबर है ना उसको बताने के लिए हमारे पास कार है ये प्राइस रहेगा ये सब कुछ रहेगा उसको पैसा लेने के लिए रिसीट देने के लिए एक ऑफिस बॉय रख दिया उसको समझो मैंने कहा आठ हजार रुपए सैलरी है ऑफिस ऑफिस का का रेंट है दस था का रेंट दस था मैंने कार भी कर ली की. कितने है रुपए, अच्छे से कार घर पे आया पहले दिन सुबह साढ़े पांच बजे नहा धो के बैठ गया ऑफिस में कस्टमर आया छे बजे और बोला भैया मुंबई बोला चलेंगे भाई. तो बैठे वो बोला क्या चार्जेस मैं बोल रहा हूँ चार्जेस कैलकुलेट ही नहीं किया अभी तक उसको मैं बोल रहा हूं दो मिनट को बता रहा हूं मैंने मैं सोचा कि अपनी कार का माइलेज है दस किलोमीटर पर लीटर दस किलोमीटर या तो लो बीस किलोमीटर पर लीटर बीस किलोमीटर दो मिनट के लिए राउंड फिगर मान लो सौ रुपए पर लीटर पेट्रोल है सौ लीटर सौ रुपए पर लीटर पेट्रोल है तो एक किलोमीटर को कितना खर्चा लग रहा है पांच रुपए पाँच रुपए हुआ ना यार एक लीटर में बीस किलोमीटर जाती है और एक लीटर सौ रुपए का आता है पांच रुपए पर किलोमीटर हुआ कि नहीं मैं सोचा पांच रुपए पर किलोमीटर अपना खर्चा है इसको आठ रुपए पर किलोमीटर बोल देते क्या बोल देते या, बोल देते या चलो बारह रुपए पर किलोमीटर बोल देते बोल दिया दे, मैंने बारह रुपए पर किलोमीटर डेयरिंग करके बोल दिया उसने बोल दिया चलो भैया बारह रुपए पर किलोमीटर बहुत अच्छा है एग्रीड चलो मैं बोला चलो मैं उसको बोला कि टोल वोल का खर्चा तुम्हें देना पड़ेगा और रहे हाँ भाई दे दूंगा सुन रहे हो क्या मुंबई जाके आ गया समझो तो टोटल रनिंग हो गया रूपए छह हजार से पांच सौ इंटू सात रुपए मेरा प्रॉफिट था कैसे पांच रुपए एक पेट्रोल का कॉस्ट था ना उसे बारह रुपए लिया ना मैंने तो पांच सौ इंटू सेवन रुपीज साढ़े तीन हजार रुपए बच गए कि नहीं उस दिन के घर पे गया मम्मी को बोला मम्मी ये लो साढ़े तीन हजार रुपए आज की कमाई मम्मी बोली शाबाश बेटा सो गया, दूसरे दिन सुबह बजे उठा, दो चार दर्शन कर लिया वापस आ गए रनिंग हो गई पंद्रह सौ किलोमीटर कितना तो सौ इंटू बारह उसने दे दिया पैसा जिसमें पंद्रह सौ इंटू सात साढ़े दस हजार रुपए मेरा प्रॉफिट थाउजेंड फाइव हंड्रेड प्रॉफिट था मेरा दो दिन लग गए इसमें सिडी ट्रिप में समझा क्या घर जाके मम्मी को बोला मम्मी साढ़े दस हजार रुपये कमाए मम्मी बोली शाबाश बेटा आ गए तीसरे दिन वापस और कोई ट्रिप कर लिया नासिक का ट्रिप कर लिया और तीन चार हजार कमा लिए ऐसा देखते देखते मेरी मम्मी के पास दो लाख रुपए आ गए कितने जमा हो गए पैसे दो लाख मम्मी के पास जमा हो गए और अभी रोज इतना मेहनत कर रहा हूं ना यार मैं समझा क्या एक दिन कार चालू ही नहीं हो रही थी सर्विसिंग सेंटर लेके गया तो सर्विसिंग सेंटर वाला बोल रहा है भाई गाड़ी चलाते हैं मजा करते हैं रोज का पांच किलोमीटर रोज का पांच किलोमीटर मैं बोला फिर हार्ड वर्किंग डेडिकेशन कंसिस्टेंसी पहले मैं सीए फाउंडेशन में था है कि नहीं दसवीं फेल बोला था मैं छोड़ो जाने दो ध्यान दे रहे हो क्या वो बोल रहा है भाई गाड़ी में तो बहुत प्रॉब्लम है ओके पूरा इंजन के बैंड बच चुके हैं टायर जो है ना वो उसके लाइफ जो रहता है ना उससे डबल यूज हो चुके कभी भी तू जा सकता था ठीक है ये सब चेंज करना पड़ेगा इंजन प्रॉब्लम है ब्रेक ऑयल खत्म है इंजन ऑयल चेंज करना पड़ेगा ब्रेक पैड चेंज करना पड़ेगा इंजन के मेजर पार्ट्स चेंज करना पड़ेगा बोला हाँ हाँ ठीक है कितना खर्चा आएगा वो बता वो बोल रहा है एक दो लाख बीस हजार रुपये का खर्चा आएगा कितना दो लाख बीस हजार का समझ रहा है क्या ऑफिस आया मैं ऑफिस बॉय बोल रहा है सर दो महीने से सैलरी नहीं दी है बाहर आया वो शॉप का ओनर आ गया बोल रहा है भाई रेंट और बाहर आया वो बैंक वाला आ गया भाई ये हो है थोड़ा बाहर आया पीएमसी वाला आदमी भाई टैक्सीस ऊपर आया सुजुगर ने वो बोल रहा है यहां पे भाई सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी के मेंटेनेंस चार्जेस है क्या क्या मैंने कहा मेहनत कम पड़ गई यार? मेरे मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है बारह रुपए पर किलोमीटर चार्ज करोगे तो ऐसा ही होगा है या नहीं सोचना चाहिए भाई हर बीस हजार किलोमीटर पे टायर चेंज करना पड़ता है चारों टायर का कॉस्ट चालीस हजार रुपए टायर का डेप्रीशियशन दो रुपए पर किलोमीटर है समझा या नहीं आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस सिंपल देखो मैं आपको एक ईमानदारी से बताता हूं मैं एक कार लिया था पचास लाख रुपए में अब मुझे दूसरी कार लेना इसलिए बेच दिया कुछ दिनों पहले पंद्रह लाख में बेच दिया कितने में तो पैंतीस लाख रुपए सीधा सीधा कम हो गए समझा क्या आपको एंड मैंने चलाया था सिर्फ पैतीस हजार किलोमीटर के आसपास तो पैंतीस लाख डिवाइड बाय पैतीस हजार करो पैतीस लाख डिवाइड बाय पैंतीस हजार किलोमीटर कितना हो गया कितना हो गया बोलो सौ सौ तो सौ रुपये पर किलोमीटर तो सीधा सीधा गाड़ी का डेप्रिसिएशन था नहीं समझा आपको मैं क्या बोल रहा हूं गाड़ी का वैल्यू डेप्रिसिएट मैं हर किलोमीटर में सौ रुपए गाड़ी का वैल्यू कम हुआ ना हुआ या नहीं पेट्रोल का खर्चा अलग सर्विसिंग का अलग वो जो टैक्सेस अलग दुनिया भर का सब कुछ अलग अब मुझे बताओ जब मैं गाड़ी चला रहा था तो मुझे ऐसा फील आ रहा था क्या कि मैं हर किलोमीटर पे दो सौ रुपए स्पेट कर रहा हूं

तो अब ये एग्जाम्पल मैंने तो थोड़ा मसाला लगा के बताया बट इससे क्या समझा आपको? आपको समझता होगा हो इंडिया में ये भी है कि इसका मतलब प्राइस ज्यादा रखना चाहिए प्राइस ज्यादा रखा तो कंपटीशन भी है वो भी है इसलिए बिजनेस करना इतना आसान नहीं होता ना जितना लगता है वर्क yes no. करते ना यहाँ पे लेवल क्या, 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 क्या है कितने दिनों तक तुम में चला सकते हो क्या कर सकते हो yes no. बिजनेस चलता है ना फिर आर यू अंडरस्टैंडिंग चलो मैं इससे आपको सिर्फ बता रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग का एक अपना इंपॉर्टेंस है या नहीं है कॉस्ट अकाउंटिंग डेटा शुड बी यूज्ड एज इनपुट फॉर योर डिसीजन मेकिंग

कॉस्ट तो अकाउंटिंग क्या है थोड़ा और फॉर्मल तरीके से सीखते हैं पहला बोलो कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड एप्रोप्रिएट ऑफ कॉस्ट तो हम लोग मतलब क्या क्या आना चाहिए था एप्रोप्रिएट अलोकेशन करना चाहिए था कि नहीं उसने क्या बोला कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड कॉस्ट की जगह बोलता हूं

अब बताओ जो भी कॉस्ट यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता रहेगा ये कुछ ना कुछ तो एक रेशियो में डिवाइड होता रहेगा कि नहीं हम सब में यस और नो कुछ ना कुछ तो हमारा अपना इंटरनल कुछ तो तरीका होगा या नहीं होगा तो ये क्या हो रहा है कॉस्ट अलॉकेट हो रहा है ना कॉस्ट क्या हो रहा है किस पे अलॉकेट हो रहा है ओवर वेरियस कॉस्ट सेंटर्स ओवर वेरियस कॉस्ट सेंटर्स कौन है यहाँ पे ये छह टीचर्स है जो हमारे कॉस्ट सेंटर्स है यस और नो

छह लोगों का फैमिली है हमारा समझो हम लोगों ने डिसाइड कर लिया सब लोगों ने कि सब लोगों का अपना अपना ईगो है वो बोला नो वन इज डिपेंडेंट ऑन अदर हम अपना अपना कॉस्ट बेयर करेंगे पापा बोले डन मम्मी बोले डन मेरी बीवी बोले डन समझ रहा है बच्चे भी बोले डन समझ रहा है क्या पेपर का हाँ चलो न्यूज का बिल आया आठ सौ बोलो करो डिवाइड छह लोगों में कैसे डिवाइड करेंगे डिवाइड बाई सिक्स करें

जो भी खर्चा है वो एक्जैक्टली exactly कौन से डिपार्टमेंट को बेर कर उस डिपार्टमेंट में कौन से कौन से प्रोडक्ट है उसमें से कौन कौन कितना बेर करेगा ये सवाल होगा या नहीं होगा

बताओ इज कॉस्ट अकाउंटिंग अभी आप ये मत समझो कि सर आपने कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है पूरा एक्सप्लेन नहीं किया मैं कैसे एक्सप्लेन कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलॉकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकट इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन रेंडरिंग सर्विस इज कॉस्ट अकाउंटिंग चलो लिखो कॉस्ट अकाउंटिंग इज लिख रहे क्या बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग इज मिला क्या आपको ये पेज कॉस्ट अकाउंटिंग इज ये पेज मिला क्या बच्चों आपको क्या पेज नंबर है ये पेज नंबर ट्वेंटी सेवन है कॉस्ट अकाउंटिंग इज कलेक्शन कॉमा Classification, collection classification and appropriate allocation, collection classification and appropriate allocation of, collection classification and appropriate allocation of expenditure incurred, of expenditure incurred. कलेक्शन क्लासिफिकेशन एंड अप्रोप्रिएट अलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर इनकट इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड ऑब्लिक और इन बोलो रेंडरिंग सर्विसेस इन रेंडरिंग बोलो सर्विसेस कॉस्ट अकाउंटिंग इज बोलो क्या था कलेक्शन

अच्छा बताओ हमने थोड़ी देर पहले कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस देखा तो अपने सिलेबस में अपने को डिटेल में क्या सीखना है प्राइस सीखना है वैल्यू सीखना है या कॉस्ट सीखना है कॉस्ट सीखना है डू यू एग्री कॉस्ट एक ही टाइप का होता है या अलग अलग टाइप का होता है बहुत अलग अलग टाइप का कॉस्ट होता है जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ओके वेरिएबल कॉस्ट सेमी वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट पीरियड कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट बोलो स्टैंडर्ड कॉस्ट प्री डिटरमाइंड कॉस्ट हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट 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 नॉर्मल है या नहीं इकोनॉमिकल आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ कॉस्ट आधे अभी भी कुछ बाकी है बट आप बताओ बच्चों इसको थोड़ा प्रॉपर क्लासिफाई करेंगे तो बेटर रहेगा ना फिर ऐसे टाइप्स ऑफ कॉस्ट बोल के छब्बीस टाइप थोड़ी लिख सकते हैं हम लोग स और नो कुछ प्रॉपर क्लासिफिकेशन का एक ग्राउंड लेना पड़ेगा ना अपने को क्लासिफिकेशन का एक ग्राउंड लेना पड़ेगा तो अगले पेज पे जाओगे तो आपको दिखेगा क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट दिख रहा है क्या आपको ये कुछ क्या दिख रहा है बोलो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट तो ऑन नाइन ग्राउंड कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन हाउ मेनी ग्राउंड ऑन नाइन ग्राउंड कॉस्ट इज क्लासिफाइड एक एक करके बाद में डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम लोग ये देखो बच्चों मैं आपको एक थोड़ा सा आगे का भी दे देता हूँ कुछ लोगों को लगेगा पहले लेक्चर में कि भाई कॉस्टिंग तो जबरदस्त थे तो ये पहले चार चैप्टर तक कौन से बेसिक कॉस्ट मटेरियल प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल है कोई थ्योरी नहीं उसमें एक लाइन थ्योरी है बस ओके कौन सा बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट मटेरियल लेबर लेबर मतलब एम्प्लॉय कॉस्ट एंड ओवरहेड्स ये जो चार चैप्टर्स है ना

तो ये पहले चार चैप्टर तक आपको थियरी प्लस प्रैक्टिकल है उसके बाद में हंड्रेड परसेंट प्रैक्टिकल ओके तो अब हमें सीखना है सीखना है है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफ कॉस्ट कॉस्ट इन डिटेल क्या तो ऑन हाउ मेनी कॉस्ट यहां पे ऐसे नाइन ग्राउंड दिख रहे हैं क्या? दे, देखो तो कॉस्ट इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट तो ऑन द आप कुछ मत लिखो सिर्फ ध्यान दो यहाँ पे पहले मुझे कंप्लीट करने तो बाद में आप लिखो चलेगा ना बच्चों मैं आपको टाइम करता हूं क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट तो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट के दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट के दो टाइप है और वो दो टाइप है एक्सप्लीसिट कॉस्ट कौन से टाइप बोलो एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड एम्प्लिस ऐसे कितने ग्राउंडिफिकेशन के नाइन देर आर नाइन ग्राउंडिफिकेशन तो कॉस्ट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कौन से दो टाइप है बोलो एक्सप्लिस

एंड देखो मैं कल बहुत डिटेल में बताया बच्चों आपको आप में से अभी अगर कोई कंक्लूजन पे आ रहा है कि भाई ये तो बहुत टफ लग रहा है ये तो कुछ हो रहा है तो आप बहुत एक प्री मैच्योर जजमेंट ले रहे हो जो अलाउड ही नहीं है आपको समझा क्या आपका काम है समझे ना समझे जो भी कुछ है क्लास में आपका काम है क्लास में ध्यान देना बाकी मेरा काम है राइट एंड यू हैव टू ट्रस्ट मी समझ रहा है बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ ओके तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स कॉस्ट के तीन टाइप है कौन से कॉस्ट के कितने टाइप है तीन टाइप है और वो तीन टाइप है मटेरियल मटेरियल कॉस्ट लेबर कॉस्ट ओवर नहीं एक्सपेंसेस मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंसेस आप में से कुछ लोग बोल रहे ओवर एड्स तो एक्चुअल में हो सकता है आपने कभी बीकॉम में वगैरह पढ़ा रहेगा बट उसमें से ना बच्चों मटेरियल लेबर एंड एक्सपेंस ये राइट right क्लासिफिकेशन है उसमें से सुन रहे हो क्या मिनट डायरेक्ट डायरेक्ट मटेरियल लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये ये तीनों तीनों का का टोटल होता है प्राइम कॉस्ट टोटल क्या होता है या उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट या उसको क्या बोलते हैं एंड इनडायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये तीनों का टोटल को बोलते हैं ओवरहेड कॉस्ट बाई चांस कभी आपने पढ़ा रहेगा तो

प्री प्रोडक्शन कॉस्ट देन रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट तीसरा प्रोडक्शन कॉस्ट कौन सा कॉस्ट देन सेलिंग कॉस्ट कौन सा कॉस्ट देन डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कौन सा कॉस्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट

तो पास्ट जो कॉस्ट होता है उसको बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट जो करंट कॉस्ट है दैट इज करंट कॉस्ट यही बोलेंगे ना उसको एंड जो फ्यूचर कॉस्ट है उसको बोला जाता है बजेटेड कॉस्ट उसको क्या बोला जाता है बजेटेड फ्यूचर का कॉस्ट जो आज हम प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं दैट बजेटेड कॉस्ट तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन बेस ऑफ टाइम पीरियड कौन से कौन से तीन टाइप है बोलो हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट एंड बजेटेड कॉस्ट हिस्टोरिकलिस ऑफ नॉर्मैलिटी टाइप्सिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन इनफैक्ट आपको नाम देखते ही समझता होगा अभी नॉर्मैलिटी बेस्ड क्लासिफिकेशन क्या होगा आप ही बताओ मुझे नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट कौन सा कॉस्ट बोलो नॉर्मल कॉस्ट एंड

एंड डायरेक्ट लड़के के सर पे वो लड़के को लग गया समझो एंड उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा वो दो महीने हॉस्पिटल में रहा उसका आईसीयू का बिल आया पचास लाख को पे करना पड़ा तो हम ही पे करना पड़ेगा ना वो ये और नो पचास लाख रुपए पे कर दिया हमने तो बताओ इज इट नॉर्मल कॉस्ट याबनॉर्मल कॉस्ट है बट प्रॉब्लम यह है बच्चो की वॉट इज नॉर्मल इवन दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी नहीं समझा तुम्हारे लड़के के लिए जो बहुत नॉर्मल 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 चीज़ है है मेरे लिए हो सकती और नो पावर इंडिया में रूटीन अपने, अपने एक दिन इलेक्ट्रिसिटी कट नहीं हुआ तो सोचते हो भाई आज कट नहीं हुआ है आज पावर फेल्यूर नहीं हुआ पावर कट नहीं हुआ अपने लिए रूटीन बात है करेक्ट और नॉट मैं कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था या शायद आपने भी पढ़ा रहेगा वो अमेरिका में कहीं तो न्यूयॉर्क सिटी के आजू बाजू में कहीं तो पावर कट हुआ एंड वो बता रहा था कि ये पावर कट हुआ इसके वजह से हमारे कुछ आइसक्रीम कुछ खराब हो गए रेफ्रिजरेटर वगैरह बंद हो गए एंड ऐसा इंसिडेंस इसके पहले नाइनटीन में हुआ था क्या बता रहा है वो ऐसा है वो बता रहे ऐसा इंसिडेंस मैं पैदा हुआ तब से तो कभी नहीं हुआ बट मैंने पढ़ा था कि ऐसा नाइनटीन में पहले हुआ था अपने यहाँ पे बता, पावर फेलियर, रूटीन चीज है अपने लिए रूटीन चीज है या नहीं है तो क्या नॉर्मल है किसके लिए और क्या अब नॉर्मल है इवन दैट डिफर्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी समझ रहा है तो हाँ बोलो बेटा क्या बोले थे बेटा एसी बंद करना है जगह चेंज करो बेटा इधर आ जाओ या तो कल से स्का आओ ऐसे में बेटा इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता सर हाँ जितने भी लोगों का ठीक है ये नहीं कर सकता मैं इसका मेरा आरोप समझो जो समझना समझो क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ पे, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूँ, मैं जानता हूँ स्टूडेंट के रिक्वायरमेंट क्या किस हद तक है ठीक है नही पहले तो स्टूडेंट ऐसे बोलेगा सॉरी ए बंद करो मैं ऐसी बंद कर दूंगा बराबर है कि नहीं फिर थोड़ी देर के बाद एक स्टूडेंट ऐसे ऐसे करेगा फिर मैं ऐसे चालू करूंगा फिर उसके बाजू में कुछ लड़किया ऐसे ऐसे करेगी मैं क्या करूं बैठ तो उसमें जो है उस टेम्परेचर जो भी है आपके पास एक काम किया करो मैं बोल रहा देखो अभी इससे तो मैं बोला ना अपने को एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम जाएगा करके एक क्या वो जो जैकेट वैकेट टाइप का रहता है वो रखने का बैग में एक एक्स्ट्रा ठीक है और उसमें थोड़ा अपन खराब भी दिख गए तो वो होडी पहन के बैठ सकते हैं बट कुछ लोगों का कुछ पर्टिकुलर लड़कियों तो 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 वो, वो और फिर बैठने का क्योंकि जो जो आदमी को गर्म हो रहा है वहां पे उसको मैं क्या बोलू उसको थोड़ी बोलू भाई कबर का एक काम कर बनियाने पे बैठे नहीं ऐसा नहीं बोल सकता ना मैं आप तो थोड़ा कोऑपरेट करो प्लीज ठीक है इन मतलब मैं बहुत पोलाइटली बोल रहा हूँ कि थोड़ा इनकन्वीनियंस दो चार दिन होगा बट बहुत जल्द हम ये सब सॉर्ट करेंगे क्योंकि हमारे पास भी वो क्या तुम्हारा इसमें वो डेमो हमारे पास पहले अगर नंबर ऑफ एडमिशन का नंबर रहता तो हम मैनेज कर सकते ना अकॉर्डिंगली बट ही डेमो देखते हो ना यार चार दिन हमें समझता ही नहीं क्या क्या होने वाला एग्जैक्टली exactly? समझ है कि हर बैच में ऐसे सस्पेंस रहता है लास्ट बैच में देखो पहले राइट दिन यहाँ पे इतने बच्चे एडमिशन हमारे पास है पाँच बच्चे बैठते हज़ार है या नहीं फिर धीरे धीरे वो सेटल हो जाता है सब कुछ डोंट डोंट वरी ये सब कुछ आप में से हजार भी बच्चे रहेंगे तो हर एक को ये बैच फेस टू फेस रहेगा और हर एक को बहुत अच्छे से मैनेज होगा ये हमारी गारंटी है बट कुछ टाइम आपको देना पड़ेगा सबको नोट्स भी मिलने वाले पता है आपको बराबर है कि नहीं बट ऑफिस में भी आप देखते हो पैर रखने के लिए जगह नहीं तो नोट्स डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें ना वो आपको जितना पॉसिबल है उतना हम डिस्ट्रीब्यूट कर ही रहे आप में से बहुत सारे लोगों के पास नोट्स है आज है कि नहीं ओके चलो कितने ग्राउंड्स पे अभी तक हमने क्लासिफिकेशन देखा है

ठीक है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट एक्सप्लिसिट एंड इंप्लिसिट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर आप लिखो आराम से लिखो बच्चों कोई गड़बड़ नहीं है और नोट्स वो अच्छे से रखो अपने जो नोट नोटबुक कंसेप्ट है उसको थोड़ा सक्सेसफुल बनाओ है या नहीं क्योंकि वो नोट्स दैट इज एवरीथिंग फॉर यू इंक्लूडिंग एग्जाम क्वेश्चन सब उसमें आ जाएगा ऑन हाउ मेनी ग्राउंड वी हैव क्लासिफाइड द कॉस्ट सो फार सिक्स ग्राउंड पेमेंट बेस्ड क्या पेमेंट बेस्ड क्लासिफिकेशन है एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट

ऑन द बेस ऑफ टाइम पीरियड लिखा क्या आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट करंट कॉस्ट एंड बजेटेड कॉस्ट ऑन द बेस ऑफ नॉर्मैलिटी कौन से दो टाइप है ऑन द बेस ऑफ नॉर्मैलिटी नॉर्मल कॉस्ट एंड अब नॉर्मल कॉस्ट ये सब हम सीखने वाले बच्चों जहां पे पर है जहां पे प्रैक्टिकल है जो जो रिलेवेंट कॉस्ट है वो सब सीखेंगे हम लोग ठीक है कुछ बाकी है क्या लिखना फंक्शन बेस्ड में प्री प्रोडक्शन कॉस्ट पहला कौन सा है प्री प्रोडक्शन दूसरा है आर एंड डी मतलब क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट तीसरा है प्रोडक्शन कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट मार्केटिंग कॉस्ट एंड कन्वर्जन कॉस्ट दीस आर द टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन कुछ पढ़ने नहीं आ रहा है क्या आपको

प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट तो ऑन द बेस ऑफ एसोसिएशन कॉस्ट के दो टाइप है प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट सब लोग लिख रहे हैं बच्चों यहां तक प्रोडक्ट कॉस्ट एंड पीरियड कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन हुआ कौन सा वाक्य बेटा हो गया नेक्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के दो टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के दो टाइप है और वो दो टाइप है रिलेवेंट कॉस्ट एंड इलेवेंट कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग कॉस्ट के दो टाइप है वो दो टाइप कौन से है रिलेवेंट कॉस्ट एंड इलेवेंट कॉस्ट रिलेवेंट कॉस्ट एंड इलेवेंट कॉस्ट ध्यान दे रहे बच्चों तो कितने ग्राउंड्स पे अभी तक तो हमने क्लासिफाई किया एक बार हेडिंग पढ़ो वापस ऑन हाउ मेनी ग्राउंड्स बोलो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर दिख रहा है सबको ये ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ऑन द बेसिस ऑफ

आप मैं कुछ भी इसके बाद में पूछूंगा यहां तक तो आपको समझना आपको बताते आना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट की कितने टाइप है दो टाइप एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट याद रहेगा ऑन द बेस ऑफ डिसीजन मेकिंग दो टाइप कौन सा कौन सा रिलेवेंट एंड इनरेवेंट ऑन द बेसिस ऑफ एसोसिएशन दो टाइप कौन से कौन से

अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट कंट्रोलेबल कॉस्ट एंड अनकंट्रोलेबल या नॉन कंट्रोलेबल कॉस्ट दीज आर दाइप ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी टाइप्स ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ तो आज हमने देखा था कॉस्ट प्राइस एंड वैल्यू का डिफरेंस उसमें से हमें डिटेल में क्या सीखना है सिर्फ कॉस्ट तो ये कुछ टाइप्स ऑफ कॉस्ट समझ में आ रहे हाउ मेनी ग्राउंड्स थोड़ा बहुत कंफर्टेबल है क्या बच्चों अपना थोड़ा language, communication, understanding. आपको ऐसा तो तो रहेगा ना कि भाई ये चल सकता है अपने को हंड्रेड डेज तक अपने इस आदमी को सह सकते हाँ बेटा हाँ उधर ए सी हम्म नहीं ना अच्छा मुझे तो सह सकते बट एसी का थोड़ा मुश्किल लग रहा है न है ना, है ना?

पहला सीखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट कॉस्ट के कौन से टाइप है दो ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट बोलो एंड चलो वापस प्रीवियस पेज समझा ना अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग का डेफिनेशन लिखा था वहां अच्छा पे आप नीचे क्वेश्चन लिख लेना व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिख रहे हो क्या क्वेश्चन ट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लीसिट कॉस्ट एंड इम्प्लीसिट कॉस्ट बहुत अच्छे से थियरी वगैरह सीखना है ना बच्चों अपने को या कोई शॉर्टकट मारना है नहीं ना राइट डाउन व्हाट इज डिफरेंस बिट्वीन एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑल ऑफ यू आर कंफर्टेबल माई फ्रेंड्स

ये जो दो टाइप है कॉस के सब लोग स्ट्रेट बैठो ध्यान दो यहाँ पे दो चार दिन में आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा कि भाई ढाई घंटे का चार लेक्चर अटेंड कर, करते कैसे और आप बोल रहे थे ना उसके बाद में भी पांच घंटे पढ़ने वाले करके है नहीं? कि नहीं सर घंटे के चार लेक्चर करेंगे और कम से कम पांच घंटे पढ़ेंगे तो आपको कल थोड़ा ट्रेलर तो आया ही रहेगा इनफैक्ट कल आई एम वेरी श्योर की चारों के चारों लेक्चर में इंट्रोडक्शन ही हुआ रहेगा थोड़ा बहुत कुछ सिखाया रहेगा है या नहीं बराबर है कि नहीं मोस्ट ऑफ द टाइम तो इंट्रोडक्शन में ही गया रहेगा ठीक है नहीं अभी तो सिलेबस चालू भी नहीं हुआ है बट मैं आपको बोला था कि यही आप इंजॉय करोगे एंड बाद में आठ महीने के बाद में जब से जाओगे ना तब आप ही इंस्टाग्राम पे डालोगे मिसिंग दोज पुणे डेज तो वो मिसिंग डालने से अच्छा अब इंजॉय करो समझा ना तब मिसिंग डालने से अच्छा अब इन्जॉय करो वो मिसिंग डालने से तो बेटर है ना प्रेजेंट में बोला था ना आपको पास्ट प्रेजेंट कल बताया था ना आपको है कि नहीं ओके okay. तो अभी क्या चल रहा है प्रेजेंट तो प्रेजेंट में जो है ना ओके okay. तो ये दो टाइप्स थे कॉस्ट के ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ तो सबसे पहला एन इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स पेमेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व्स वेयर एज इंप्लिसिट कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट इंप्लिसिट कॉस्ट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट आप समझ रहे हो क्या बच्चो समझो ये मेरा लड़का है समझो एग्जाम एज्यूम कर सकते हैं ना समझ रहे हो क्या एंड कर सकते भाई मैं मैं आई एम है कि नहीं तो मैं टाइम पे शादी हुई रहती तो इतना बच्चा तो हो ही रहता एक्चुअली अब नहीं हुई तो क्या करे ठीक है तो अब आई एम श्योर तुम में से किसी के पापा का एज भी रहेगा आप में से बहुत सारे लोगों का रहेगा इनफैक्ट रहेगा पॉसिबल है बराबर है ना कुछ कुछ लोगों का फोर्टी थ्री से कम भी रहेगा मैं जानता हूँ ना मेरे टेंथ के क्लासमेट टू वगैरह उनके बच्चे चाहे अभी कभी मेरे क्लास में आते कभी कभी है कि नहीं बोलते हाँ हाँ, हाँ आप मेरे पापा के क्लास में थे बड़ा ऐसा खराब फील आता है बट क्या करेंगे आप जो है वो है भाई जो है वो एक्सेप्ट तो करना है ना ऑब्वियसली एंड ऐसा कोई रिग्रेट भी नहीं है कि भाई ये रह गया वो रह गया जिंदगी में ये करना रह गया वो करना बाकी है ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है ठीक है तो ध्यान दो अभी यहां पे explicit cost में payment होता है तो मैं example बता रहा था कि suppose ये ये मेरा मेरा बेटा है है समझो 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 बन गया इस में एक बंगलो वो बंगलो एक पापा मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करूंगा मैं का अपना इनकम टैक्स का प्रैक्टिस करूंगा यहाँ पे मैं बोला कर ले भाई तो इसने ऑफिस वगैरह सेटअप कर लिया उधर वो भी पैसे मैंने दिए उसको सुन रहे हो क्या अब एक साल के बाद में आया मेरे, पास और बोल रहे है, ये देखो, मेरा मेरे दस लाख का प्रॉफिट है बट जस्ट तो तुझे बता दू कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू बट ये आउट हाउस जो मैंने तुझे ऑफिस बोल के दिया है ना मैं रेंट पे देता तो इसका दो लाख रुपए मैंने का रेंट आता

तो आप बता ये वहां पे प्रैक्टिस कर रहा है इसलिए रेंट इज इस फॉरगॉन रेंट फॉरगॉन कैन इट बी डेबिटेड टू पी एंड एल कैन इट बी ब्रॉट इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो कैन इट बी रिकॉर्डेड कैन इट बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग यस इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग इसको मैं बोल सकता हूँ बेटा एक काम कर अगर यही रेंज में प्रॉफिट रहने वाला है तो आराम कर Yes or no. वो हाँ अगर फ्यूचर में पचास लाख एक करोड़ दो करोड़ कमाने वाला कोई फ्यूचर में क्या प्रॉफिट एक्सपेक्टेड एक्सपेक्ट किया अपर लिमिट है अगले साल तेरह लाख चौदह लाख होगा पंद्रह लाख होगा उससे ज्यादा क्या और अगले दस साल में भी पंद्रह लाख बीस लाख होगा और क्या रेंट तो आज दो लाख है तो रेंट भी तो बढ़ सकता है फ्यूचर yes में no. मैं बोल रहा बेटा एक काम कर फिर तो आराम कर मैं तुझे बारह लाख दे देता हूँ यहाँ पे

ये भले हमने बहुत स्क्रैचेस स्टार्ट किया था बट सिर्फ प्रेस्टीज पॉइंट में हम हमारे जितने क्लासरूम है ना उसमें 25 करोड़ इन्वेस्ट किए समझ रहा है क्या तो अब बताओ उसमें हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्वड है कि नहीं आज यस और नो ये क्लासरूम्स अगर हम रेंट पे देंगे तो हमें कम से कम साल का दो करोड़ रुपए रेंट आएगा कितना रेंट आएगा तो अगर हम 2 करोड़ से कम पैसा कमा रहे तो वी आर नॉट डूइंग जस्टिस टू दिस

क्योंकि अगर वो कहीं और काम करता तो कम से कम साल के बारह लाख रुपए कमा लेता इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इन्वॉल्विंग हिम ओवर और नॉट तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में पेमेंट इन्वॉल्व है क्या मैं पेमेंट कर रहा हूं उसको लाख नहीं बट इट इज स्टिल अ कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस और नॉट तो आप बताओ एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होता है उसके अंदर पेमेंट इन्वॉल्व होता है क्या होता है बट इम्प्लिसिट कॉस्ट में कोई पेमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो चलो एक काम करेंगे इसका भी डिफरेंस अपन प्रॉपर टेबलर फॉर्म में लिखेंगे चलेगा क्या तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक्सप्लिसिट कॉस्ट राइट हैंड साइड में इम्प्लिसिट कॉस्ट लिखेंगे क्या टेबलो फॉर्म में डिफरेंस है टाइम आपके पास गुड तो थैंक यू बच्चों एक्स लेफ्ट में लिखो एक्सप्लिसिट कॉस्ट राइट में इम्प्लिसिट कॉस्ट आज ज्यादा हो रहा है ना कल मजा आया था ना कल फालतू आवाज थे ना इधर उधर की अभी तो पढ़ा रहा अभी तो सब जगह पढ़ाना चालू किया रहेगा ना एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट चलो टैबुलर फॉर्म में अपन डिफरेंस लिखेंगे प्रॉपर चलेगा क्या बच्चों कॉस्ट 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 एंड तो क्या बोला था मैंने explicit cost के अंदर पेमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है पेमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है तो राइट ऑन पहला डिफरेंस पहला डिफरेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इन्वॉल्व पेमेंट पहला डिफरेंस क्या लिख रहे हो बोलो एक्सप्लीसिट कॉस्ट इनवॉल्व पेमेंट फर्स्ट डिफरेंस इट इनवॉल पेमेंट चलेगा बच्चों एंड इम्प्लीसिट कॉस्ट में पेमेंट इन्वॉल्व है या नहीं है so, तो क्या लिखो इधर फर्स्ट पॉइंट इट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट इट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट पेमेंट होता ही नहीं है जब पेमेंट होता नहीं फिर भी कॉस्ट होता है क्या ये पेमेंट होता नहीं है फिर भी कॉस्ट होता है कि नहीं है ऑब्वियसली इट इज कॉस्ट बट इट पेमेंट तो ये पहला फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो गए क्या बच्चे तो हम लिख रहे थे उसमें पहला पॉइंट हो गया इट इन पेमेंट दूसरा इट डज नॉट इन्वॉल्व पेमेंट इट इज अदरवाइज नोन एज इट इज अदरवाइज नोन एज एक्सप्लिसिट कॉस्ट को ही हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोलते वेरी गुड और क्या बोलते इसको बताओ वेरी गुड अकाउंटिंग कॉस्ट और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्या बोलते आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट अब वो एकदम लिटरल वो फाउंडेशन uh, के इकोनॉमिक में मत जाओ बच्चो समझ रहे ना इट इज अदरवाइज नोन एज अकाउंटिंग कॉस्ट और बोलो आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट क्योंकि इनकर हो रहा है ना मेरे यस और नो अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड एक्सप्लिसिट है या implicit है इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल इम्प्लीसिट हम लोग इंटरेस्ट लेने नहीं नहीं खुद के कैपिटल पे बराबर है या नहीं है बट हमारा पैसा ब्लॉक्ड है दैट मनी गॉट है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉट, हैज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और नॉट तो इट इज अदरवाइज क्या लिखा आपने अकाउंटिंग कॉस्ट और आउट इट इज अदरवाइज नोन एज इट इज अदरवाइज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉमा इम्प्लीसिट कॉस्ट को क्या बोलते हैं इम्पुटेड कॉस्ट इम्प्लीसिट तो मैंने लिखा है ना ऊपर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और इम्पुटेड कॉस्ट समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज कल मैंने बताया था शायद आपको ये हिडन कॉस्ट और इसको नोशनल कॉस्ट ऐसा भी बोला जाता है क्या बोला जाता है नोशनल कॉस्ट समटाइम इट इज अदरवाइज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इम्प्यूटेड कॉस्ट हिडन कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट ध्यान है ना बच्चों सबका इधर यस yes और नो no? चलो पहले दो डिफरेंस हो गए क्या फिर देखो एंड अभी क्या होता है ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है क्लास में ऐसा लगता है कि बहुत, बहुत बाद में क्या होता है एग्जाम में क्वेश्चन करते नहीं कुछ नहीं करते में आता है, तो लिखता है फिर वो भी कॉम टाइप का आंसर इन नेचर इम्प्लिसिट कॉस्ट इज इम्प्लिसिट आई लाइक एक्सप्लिसिट कॉस्ट आई डोंट लाइक इम्प्लिसिट कॉस्ट ओ टिपिकल आंसर बिकम अ कॅटेगरी का है की नाही बरोबर आहे की नाही ओ नेच चालताय ना फिर आपण वो बचपन स्कूल में वगैरे बिकम में ट्राय करते ना आपण माझा आवडता प्राणी है की नाही माझा आवडता प्राणी काय आहे गाईला चार पाय असतात बरोबर आहे की नाही ऐसा बोलते गाय च शीला शेन म्हणतात है ना शेणाच्या गौऱ्या करतात मला गौरी आवड़ते है निकॉम में समझता ऐसा ये तो कम हुआ कुछ कुछ लोग इससे भयानक रहते समझो एग्जाम में क्वेश्चन आया कॉस्ट। इन अर्ली सेवनटीन सेंचुरी रशियन स्टैटिस्टिशियन कुछ तो नाम लिखने का एंड्रयू फ्लिंटॉफ बराबर है कि नहीं हैज डेवलप थियरी ऑफ एक्सप्लिस कॉस्ट इधर इटालियन स्टैटिस्टिशियन इसके बाप को मालूम नहीं है किसने लाया है बराबर है कि नहीं अब वो पेपर चेक करने वाला भी सोचेगा भाई मेरा नॉलेज कम है इसका है या क्या हो गया रहा है एग्जैक्ट बट सीए पेपर चेक करने वाला बराबर जानता है सब कुछ आप समझ रहे हो कि नहीं ऐसे फालतू के आंसर को मार्क्स नहीं तो प्रॉपर पॉइंट चाहिए नो नॉनसेंस गेम रहता है समझाया गया आपको प्रॉपर जो आंसर है वो चाहिए रहता है आप समझ रहे हो क्या बच्चों इधर उधर का आंसर कुछ तो करके मैंने लिख के आया उससे मार्क्स नहीं आते सी ए का पेपर चेक करने वाले मेरे जैसे कमी ने लोग रहते डायरेक्ट ऐसे कट कर देते कुछ भी नहीं में जीरो लिख देते आप समझ रहे हो क्या ऐसा मेरा चेहरा देखिए आपको थोड़ा ऐसा कमीनापन का फील आता है कि नहीं ऐसे ही लोग पेपर चेक करते है कि नहीं का फील अच्छा फील आया आप तो मुझे तो ऐसा था कि आप लोग नहीं 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 सर आप अच्छे हो अभी थोड़ा अपन एक दूसरे को पहचान रहे हैं थोड़े दिनों में पहचान आप पहचान लोगे मुझे बराबर ओके एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लीसिट तो दो डिफरेंस हो गए क्या अभी तक एक्सप्लिसिट कॉस्ट पेमेंट आप बोला करो मेरे भाई इम्प्लीसिट कॉस्ट इनवॉल्व नो पेमेंट डज नॉट इनवॉल्व पेमेंट अच्छा मैं और एक चीज आपको बता दू यहाँ पे क्या होता है सुन रहे हो क्या आप तुरंत एग्री करोगे इसके ऊपर अच्छा ये जो अभी पूरा हंड्रेड परसेंट ध्यान देके सुन रहा है उसको ये याद रहेगा आज रहेगा याद रहेगा काफी हद हाँ तक याद रहेगा आज तो याद रहेगा ही अब मैं कॉस्ट प्राइस वैल्यू का डिफरेंस बोलूंगा फटाफट बताओगे आप कॉस्ट अकाउंटिंग का डिफिनेशन बताओगे आप याद रहेगा अच्छा जो थोड़ा बहुत सुन रहा है या सुन ही नहीं रहा है उसको ऑब्वियसली याद नहीं रहेगा ही बट चार महीने के बाद ना बच्चों दोनों को याद नहीं रहेगा बराबर रहे है अब बड़ा सवाल यह है कि जिसने ध्यान दिया उसका क्या फायदा हुआ चार महीने के बाद तो वैसे भी दोनों को याद नहीं है बराबर है कि नहीं जिसने ध्यान दिया उसका ऐसा क्या फायदा हुआ बट जिसने ध्यान दिया वो भी भूल गया अभी बट वो पंद्रह मिनट में एक चैप्टर रिवाइज कर सकता है जिसने ध्यान नहीं दिया वो उसको चार घंटे में भी नहीं होगा समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं समझ में चार महीने के बाद वैसे टेक्निकली दोनों सेम लेवल पे आ जाते ऐसा लगता है प्राइम ऑफ एस अपियस की दोनों को याद नहीं है बट उसको याद करने के लिए वो लेवल पे आने के लिए पंद्रह के लिए समझ आ गया समझो इसने पूरा लेट से एपीजीपी सब पढ़ के बैठा है बट अब वो थोड़ा उस फेज से बाहर है दूसरे सब्जेक्ट पढ़ रहा था अब उसने मैथ्स कभी रिवाइज नहीं किया एंड इसने कभी नहीं पढ़ा है अब बताओ दोनों सेम है क्या बट आज वैसे तो दोनों को याद नहीं आ रहा है वैसे तो दोनों को याद नहीं आ रहा है ना यार बट ये पंद्रह बीस मिनट में वापस जा सकता है बराबर बड़ा सब्जेक्ट है फाइन, फाइनल का डायरेक्ट टैक्स जैसे ऐसा होता है कि भाई अब कुछ भी याद नहीं आ रहा है बट मुझे घंटे दो मैं सब कर लूंगा कितना पेज का बुक है पंद्रह पेज का कैसे होता है चौबीस घंटे में होता है अगर पहले से पढ़ के रखा है तो फाउंडेशन मैथ्स में बताता था लगता है भाई से। कैसे होगा होता है एक दिन में होता है एक दिन में समझाया नहीं बट उसके लिए एक दिन में होने के लिए पहले वो चार महीने का प्रिपरेशन लगता है ताकि हम एक दिन में रिवाइज कर सके हर फॉर्मूला हर टाइप का क्वेश्चन जा सकते हैं अपने एग्जाम के पहले डेढ़ दिन में हर टाइप का क्वेश्चन देखे जा सकते हैं डेढ़ दिन में बराबर है कि नहीं बट बताओ सिर्फ डेढ़ दिन में होगा क्या है? पहले वो लेवल अपने को बनाना पड़ता है ना सेम इज हियर समझता है क्या ऐसा नहीं है कि भाई ये थियोरी आप में से अभी जो धौड़ धौड़ धाड़ आंसर देने वाले ना उसको भी याद नहीं आएगा चार महीने के बाद मैं बोलूंगा एक्सप्रेसिट इम्प्रेसिट बोलेगा नहीं सर याद नहीं आ रहा है बट वो ये, उसको अगर मैं बोला कल भाई कल अपना चार चैप्टर का टेस्ट है चल पढ़ सर पर जो कभी ध्यान नहीं दिया उसको होगा एक दिन में चार चैप्टर वो बोलेगा नहीं सर चार मैं तो पहले पेज पे एक घंटा पे स्टक स्टकू समझ रहा है तो आप ये मत समझो कि आप ध्यान भी दे रहे हो तो भी आपको याद नहीं रह रहा है तो कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है

पहला डिफरेंस एक्सप्लिसिट कॉस्ट इनवॉल्स पेमेंट इम्प्लिसिट कॉस्ट डज नॉट पेमेंट एक्सप्लिसिट कॉस्ट कॉस्ट इज़ अदरवाइज़ अकाउंटिंग और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और नोशनल कॉस्ट समझा ये तीसरा डिफरेंस लिखो रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स

ओके अच्छा बताओ से एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक्सप्लिसिट कॉस्ट इज़ मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग मेनली फॉर बोलो अकाउंटिंग रिकॉर्ड होता है मतलब उससे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते हैं ना फिर मेनली यूज फॉर अकाउंटिंग तो फिर इंप्लिसिट कॉस्ट क्यों यूज होता है वेरी गुड इंप्लिसिट कॉस्ट इज यूज मेनली फॉर डिसीजन मेकिंग सिर्फ डिसीजन मेकिंग की जगह बोलना मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग क्या बोलना मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग वेरी गुड कॉस्ट कॉस्ट इज इज फॉर फॉर इम्प्लिसनेजरियल डिसीजन मेकिंग समझा आपको ये मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग में तो उसका काम है यस और नो हम अपनी जिंदगी के डिसीजन लेते वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसिडर करते कि नहीं करते कि नहीं हम लोग बोलते कई बार नहीं यार ये डिसीजन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है आई डू दैट समझा या नहीं मेरा भाई मुझे बोला कि एक काम कर यार सप्टेबर में अमेरिका अपन उधर घूमेंगे वेगास वेगा जाएंगे मजा करेंगे मैं बोला नहीं आ सकता क्या बोल दिया नहीं आ सकता ओवर कर देना यार बैच कैंसिल क्या होता है मैं बोला दे दो करोड़ रुपए तू दे दो करोड़ रुपए फिर मैं आ जाता हूँ उधर अच्छा मुझे बताओ मैं यहाँ पे ये बैच छोड़ के उधर जाने का का दो चार हजार रुपए है क्या मेरे लिए आप समझ रहे हो क्या decision, तो मैंने जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए फिर तुम्हारे एंगल से सोचो मेरे एंगल से भी सोच के देखो एक मिनट नहीं जाना चाहिए बहुत क्लियर है समझ कि आपको ये

मुझे अभी भी याद है कि 2008 में मेरी रियल सिस्टर ओनली सिस्टर का एंगेजमेंट था गांव में और डेढ़ हजार लोग थे ओके डेढ़ हजार गांव में हजार से ज्यादा तो नॉर्मल है ठीक है और मेरे बैच का यहाँ पे सीए फाइनल का कॉस्टिंग एंड क्यूटी का लास्ट डे था मैं पापा को बोला था कि मैं नहीं आ सकता और ये सब कुछ है पापा आप डेट चेंज करो पापा बोले नहीं भाई यही है ऐसा ऐसा मैं बोला नहीं आ सकता और मैं गया भी नहीं हाँ मुझे कोई रिग्रेट भी नहीं है उसका अभी बट वो छोड़ो ध्यान दे रहे हो क्या क्योंकि मैं सुनो सुनो एक मिनट क्योंकि मेरे सामने बॉस मेरा करियर था आज मैं कभी सोचता हूं तो वो करियर में जो पागल होता है ना उसी का होता है ये सब कुछ समझ रहा है जिसको कुछ दिखता नहीं वो छोड़ के कई लोगों को ऐसा लगता है कि पुणे में सात आठ टीचर है सात आठ टीचर नहीं सात आठ बच्चे है हजारों लोगों ने ट्राई कर लिए आप समझ रहे हो कि नहीं पुणे में ऐसा लगता है कि ये सात आठ टीचर ही है बस वो बस मार्केट पूरा वो संभालते ऐसा नहीं है मेरे भाई हम लोग बच्चे उतने अंडरस्टैंडिंग और नॉट यहाँ पे कितने लोगों ने ट्राई किया कितने लोगों का करियर खत्म हो गया आपको पता नहीं अरे तो आपको अगर कुछ करना है तो देर आर मेनी सैक्रीफाइस बिहाइंड इट और रिमेम्बर दो हजार बारह तेरह चौदह पंद्रह में सी ए सीपीटी जो था फाउंडेशन के पहले सीपी टी के अकाउंट छोड़ के बाकी के तीनों सब्जेक्ट में अकेला ही पड़ा था मैथ इको एंड लॉ इंटरमीडिएट में कॉस्टिंग एंड एस एम

नहीं तो यहाँ पे आके टाइम पास करके चले गए तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी इनकर किया आपने एंड कुछ मिला भी नहीं उसके बदले में फॉर्म तो में भी होता है किस फॉर्म में होता है नॉन मॉनिट्री फॉर्म में भी होता है तो दैट नॉन मॉनिटरी फॉर्म का भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो नहीं हो सकता उसका बट इट कैन बी यूज फॉर डिसीजन मेकिंग और नॉट इट कैन बी यूज फॉर बोलो डिसीजन मेकिंग तो मैंने 2016 में बोल दिया भाई सुशील सर को बोल दिया कि भाई मैं फाउंडेशन में मैथ्स पढ़ाऊंगा ओके इंटर में कॉस्टिंग पढ़ूंगा के मैं कुछ नहीं कुछ नहीं करूंगा संडे को मैं पढ़ाऊंगा नहीं बहुत कुछ रेर रहा तो मैं संडे को पढ़ाऊंगा बट जो भी पढ़ाऊंगा बहुत पैशन से पढ़ाऊंगा समझ रहा है क्या तो मैं आज को या बचे वो सब्जेक्ट वो जो मैंने छोड़ दिए वो पढ़ा नहीं सकता था क्या अच्छा वो पढ़ा सकता था उससे मैं कुछ लाखों करोड़ रुपए कमा नहीं सकता था क्या और कमा सकता था बट मुझे नहीं करना है वो क्योंकि एंड दिस इज द कॉन्शियस डिसीजन आई हैव टेकन और नॉट

2004 में मैं वो जो सब्जेक्ट पढ़ा था तो शुरुआत में तो मेरा कोई नाम नहीं था कुछ नहीं था कोई पांच दस बच्चे आए वो बोलते थे कि सर हमारे ये टाइम पे ये बैच लोगे क्या बोलता चलो भाई ले लेते ओके कुछ बैचेस तो मैंने ऐसे केबिन में बैठ के पाँच छह लोगों के लिए लिए थे बस ये छह बच्चों का बैच है ओके कुछ कुछ लोगों का तो रात को नौ से ग्यारह भी बैच लिया था मैंने वैसे भी पांच छह बॉयज है अपना चलो भाई रात को नौ से ग्यारह अपना ये सब है कि नहीं ग्यारह कभी कभी तो बोलता था चलो एक काम करो मेरे हॉस्टल पे चलो अपन उधर करते बच्चा हुआ कम्प्लीट मैं भी बैच था मैं भी हॉस्टल पे रहता ही था आप समझ रहे हो क्या आप बताओ ये जो भी कुछ मैं कर रहा हूं हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर दैट और नॉट वॉज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट और नॉट मैं जब पढ़ाने लग गया बच्चों तो मेरा कोई अर्निंग नहीं था बट जबकि मेरे साथ में जो सीए बन गए वो लोगों का सात लाख रुपए पर ईयर आठ लाख रुपए पर ईयर दो हजार चार पास की बात कर रहा हूँ जहां पे सात आठ लाख रुपए पर ईयर बहुत बड़ा अमाउंट रहता था पंद्रह बीस लाख रुपए में तो पुणे में फ्लैट आता था उसको आप समझ रहे हो क्या

Next fifth. Explicit cost. Explicit cost can be objectively determined. Can be volumary by objectively determined as it involves payment. As it involves volume payment. एक्सप्लिसिट कॉस्ट कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड एज इट इनवॉल्स बोलो पेमेंट एक्सप्लीसिट कॉस्ट कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिटर लिखो इम्प्लिस इम्प्लिसिट कॉस्ट कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड कैन नॉट बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड एज एज इट इनवॉल एज इट इनवॉल सब्जेक्टिव इस्टीमेट्स एज इट इनवॉल्व बोलो सब्जेक्टिव इस्टिमेट्स इसका क्या मीनिंग है थोड़ा समझने की कोशिश करो खुद से एक्सप्लिस कैन बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड बोल बेटा इम्प्लीसिट <coughs> जो है वो तो ओपिनियन पे वैरी करेगा समझा के मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग अच्छा मुझे बताओ ये रेंट पे दिया तो कितना रेंट आएगा ये तो मैं बोला आपको दो करोड़ समझा या नहीं आप बोलो ना दो करोड़ दो करोड़ किसने बोला भाई आपको मैं तो ऐसे ही बोल दिया आपको सज लगा क्या हाँ? अच्छा दो करोड़ भी हो सकता है डेढ़ करोड़ भी हो सकता है ढाई करोड़ भी हो सकता है आज तक हमने कभी रेंट पे दिए नहीं तो हमें ठीक से मालूम भी नहीं है आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट अच्छा मेरा भाई कहीं और काम करेगा तो कितना सैलरी मिलेगा हाँ आज तक उसने कभी जॉब किया ही नहीं बाहर तो मैं बाहर गया कहीं काम करता तो एक लाख उसको मिलता ये तो मेरा इस्टिमेट था ना मेरे भाई हो सकता है कि आप बोल रहे सर ये आपका भाई इतना यूजलेस है ना इसको कोई तीस हजार नहीं देगा इसका एस्टिमेट है ये यस और नो सुशील सर बोल रहे अरे यार ये इतना कॉम्पिटेंट बंदे को तूने ऐसा काम पे लगाया यहाँ पे ये कहीं और काम करेगा तो चार लाख रुपए महीने का कमाएगा ये ये सुशील सर का है यस और नो ये सब्जेक्टिव ना क्या 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 ये 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 बोलो सही है? है 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 तो तो आप बताओ इसमें इसमें कोई है क्या? Salary paid? इस कोई जजमेंट जजमेंट ऑब्जेक्टिव पेमेंट ना भाई इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इसमें जजमेंट है क्या नहीं दो लाख दो लाख बारह नो सैलरी पेड फोर्टी थाउजेंड टू अन्योर्टी थाउजेंड एक्सप्लिसिट कॉस्ट Yes Yes or or no, no, payment payment direct, it can be objectively rent yes no. तो अच्छा, कहीं काम कर लिया तो मुझे मैं कितना पैसा कमा सकता हूं ये जजमेंट है भाई मेरा ये और नो इट इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर और नॉट इट इज बोलो सब्जेक्टिव इन नेचर समझ में आ रहा है क्या कहीं पे भी समझो मुझे कोई साउथ इंडिया के कोई एकेडमी से एक बार फोन आया और वो बोले कि सर आप यहाँ पे आके क्या सर मैं बोला हाँ भाई आपका ऑफर बताओ क्या है वो बोले कि सर ये दो महीने यहाँ पे रख के यहाँ पे यहाँ पेट करना पड़ेगा मैं बोला दो महीने तो बहुत ज्यादा हुआ बट फिर भी आपका ऑफर बताओ क्या फाइनेंशियल क्या रहेंगे बोले सर आपको ये दो महीने के महीने के तीन लाख के हिसाब से छह लाख मिल जाएंगे मैंने बोला आपको आपने थोड़ा तो होमवर्क करना चाहिए था आपने किसको ऑफर दे रहे हो बराबर है कि नहीं नहीं मैं कोई माज नहीं कर रहा हूँ बट मैं दो महीने जाके रहूंगा तो आपको लगता है कि मैं बीस साल के एक्सपीरियंस के बाद में मैं दो तीन लाख रुपए महीने के लिए अपना घरदार छोड़ के उधर जाके रहूंगा आप समझ रहे या नहीं मैं उनको बोलूंगा कि सर मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा है सर इससे है कि नहीं वी ड्यू रिस्पेक्ट टू योर कोचिंग सेंटर एंड एवरीथिंग आई कैन नॉट कम वी ड्यू रिस्पेक्ट आई एम टॉकिंग है कि नहीं बट यहाँ पे अगर कोई बड़ा इनो अमाउंट होता वो बोल रहे भाई सर आपको 5 करोड़ रुपए मिलेंगे तो मैं हो सकता था कि मैं आई एम रेडी टू डू दिस सेक्रीफाइस वट पॉसिबल और नॉट अल्टीमेटली हम लोग कभी भी जिंदगी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही करते हैं ना क्या करते हैं जिंदगी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ही करते हैं ना हर चीज का तो समटाइम्स वो कॉस्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर रहे हैं तो वो कॉस्ट के अंदर कौन सा कॉस्ट इन्वॉल्व है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व है ना यस और नो तो आप बताओ इंप्लीसिट कॉस्ट कैन इट बी ऑब्जेक्टिवली डिटरमाइंड नो एज इट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव एस्टीमेट्स एज इट इन्वॉल्व्स सब्जेक्टिव एस्टीमेट्स एंड लास्ट डिफरेंस हम एक काम करते हैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स बताओ हां चलो बताओ कुछ एग्जांपल्स बताओ ओके okay, चलो रेंट पेड अच्छा सैलरी पेड पेड पेबल जो भी है बच्चों समझ रहे हैं ना उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड समझ रहा है क्या लेट से प्रॉपर्टी टैक्सेस पेड ये सब कौन से कॉस्ट है एक्सप्लिसिट कॉस्ट अच्छा कॉस्ट के कुछ एग्जांपल्स बताओ ओके इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल रेंट फॉर गॉन वेरी गुड इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल रेंट फॉर गॉन रेंट फॉर गॉन ठीक है सैलरी फॉर गॉन ठीक है रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर जो ले नहीं रहा है बराबर है ना रेम्यूनरेशन ऑफ ओनर जो एक्चुअल में वो ले नहीं रहा है समझ रहा है ना अगर वो ले रहा है बिजनेस से पेमेंट हो रहा है उसको तो देन इट इज एक्सप्लिसिट समझा क्या

बट यहाँ पे ये कंपनी चलाने के लिए समझो मैंने जो मेहनत की है उसके लिए हम कोई रेमुनरेशन ले नहीं रहे बट ये मेहनत हम कहीं और करते तो हमें कम कम से कम एक दो लाख रुपए महीने के मिल जाते कि नहीं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझा क्या अच्छा मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कौन सा कॉस्ट है? चल, है या इम्प्लीसिट कॉस्ट है हा? सोच के बताओ डेशन ये प्रोजेक्ट ये एसी मशीन का या ये आईपैड का एक्सप्लिसिट एक्सप्लिसिट तो इज कॉस्ट नॉट इम्प्लिसिट आप बच्चों पढ़ नहीं रहे हो ठीक से इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो डेप्रीसिएशन रिकॉर्ड होता है या नहीं होता है आप वो ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए पहले वाले पॉइंट को आपको लगा नॉट पेमेंट मेरे that, वो एक साल यूज नहीं होने वाला, दस साल यूज नहीं होने वाला है थोड़ा थोड़ा डेबिट कर रहे हैं हम लोग उसमें से बट वन टाइम पेमेंट तो था ना उसमें इंपॉर्टेंट yes no. तो नहीं था छोड़ दो पहले पॉइंट को इट इज रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स

ट इज क्वेश्चन है राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट कुछ कहीं पे मत देखो स्विप इधर मेरे पास देखो आप सब लोग फॉर अकाउंटिंग यूज फॉर डिसीजन मेकिंग अकाउंटिंग डिसीजन मेकिंग अदरवाइज नोन एज अकाउंटिंग और आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट

वो मुझे हर दिवाली को फोन करता है हैप्पी दिवाली विनोद भाई हैप्पी न्यू ईयर बर्थडे को लाके गिफ्ट देता है समझ रहा है क्या हर महीने भर में एक बार फोन करता है नहीं विनोद भाई ऐसे ही फोन किया था बस ध्यान रखो हम पे क्यों फोन कर रहा है भाई अरे उसका टोटल बिजनेस दो करोड़ का है उसमें से मैं और मेरे जैसे और दो कस्टमर हम तीनों मिलके ही साठ साठ लाख का बिजनेस देते उसको तो एक करोड़ अस्सी लाख तो इधर हो गए एंड बचे हुए बीस लाख में उसके कम से कम दस हजार कस्टमर जिसमें से आप एक हो आपको बोला हैप्पी दिवाली आपको दिया गिफ्ट आपको बोला कैसे हो आपको बोला ऐसे ही फोन किया था मुझे वो क्यों कर रहा है समझ रहा है क्या तो उसने कस्टमर्स को भी तीन कैटेगरी में डिवाइड करके रखा है ए कैटेगरी कस्टमर बी कैटेगरी कस्टमर सी कैटेगरी कस्टमर मैंने उसको चार दिन पहले फोन कर दिया बोल दिया भाई मुझे कम से कम अभी ये वर्चुअल फेस टू फेस मिला के कम से कम दो हजार सेट दो हजार से मतलब हजार बुक छे हजार बुक मतलब छह हजार इंटू ग्यारह सौ सो पे सोचो समझ रहा है सब कुछ राइट अब उसका शटर डाउन है एंड वो दिन रात सिर्फ ये प्रिंट कर रहे एक रुपए वाला कस्टमर आता है बाहर मार्कशीट बोलता है भाई मार्कशीट बोलता है नहीं है बंद है दुकान और कस्टमर भगवान है इज्जत है कि नहीं वो बोलता है इज्जत नहीं है समझा क्या वो क्या बोलता है इज्जत नहीं है क्योंकि मैंने उसको बोला कि अगर डिले हुआ तो देख भाई अगला मैं तेरे भी है कि भाई, सिर्फ आपका काम कर रहा और कुछ भी नहीं आर यू अंडरस्टैंडिंग नॉट आर यू गेटिंग माई फ्रेंड्स तो उसने कस्टमर्स को भी डिवाइड करके रखा है कि नहीं ये सिर्फ यहां पे नहीं ये बहुत बड़ा थियरी है क्या

आपने वो मूवी देखा है क्या रणदीप हुडा का डी नहीं देखते क्या ऐसा अंडरवर्ल्ड पे डी बोल के एक रणदी का मूवी पुराना है डी 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 अंडरवर्ल्ड पे उसमें ना उसकी एक बॉलीवुड की हीरोइन रहती है वो उसकी गर्लफ्रेंड रहती है और सुनो सिर्फ सुनो सुनो तो और ये गैंगस्टर रहता है ओके तो वो उसकी गर्लफ्रेंड एक दिन उसको क्वेश्चन पूछती है कि अरे यार तू तो दिन भर ये लोगों को मारते रहता है ये करता है ये सब दिन भर है कि नहीं इसको सुपारी दी इसके दो करोड़ आ गए इसका पाँच करोड़ इसको मार डाला इसका मर्डर कर दिया इसको समझ रहा है कि नहीं तो रे लाइफ में कुछ एंटरटेनमेंट नहीं है क्या लाइफ में कुछ तो बोलता है मेरे लाइफ में भी एंटरटेनमेंट है बट वो अलग टाइप का है वो बोलता है कि उसका डायलॉग मुझे बहुत पसंद आया हो सकता है कि आपको पसंद नहीं आए वो बोलता है कि मैं एक पुलिस कांस्टेबल का बेटा था नॉर्मल पुलिस कांस्टेबल का बेटा था एंड मुझे बचपन में बहुत सारे लोगों ने तकलीफ दी मारा पीटा बहुत लोगों ने मुझे तकलीफ दी बचपन में मेरे बाप भी रोज मारता था लोग भी मारते थे इधर उधर खाने पीने का पैसा नहीं रहता बहुत लोगों ने तकलीफ दी और एक पुलिस वाला था पी उसने मुझे इतना पीटा था एक बार वो बोलता है वो इतना इतना मारा था मेरे मुंह पे थूका था इतना पीटा था कि बस उसने ओके एंड उसके साथ साथ में और भी लोगों ने मुझे तकलीफ दी थी बट अब मैं गैंगस्टर बन गया ना तो मैंने सबको मार दिया था सिर्फ वो एक जो पी एस है ना ओके okay, मैंने उसको अभी तक नहीं मारा ओके okay? वो क्या बोलता है पीएसआई को मैंने अभी तक बट उसके चेहरे पे हर रोज रहता है कि ये मुझे कब मारेगा एंड उसके चेहरे पे जो डर है ना वही मेरा एंटरटेनमेंट है, ठीक उसके चेहरे पे जो डर है वही मेरा तो ये जो ऐसे क्लास के पहले दस मिनट बचे हुए रहते हैं और स्टूडेंट के जो चेहरे रहते ना

लाख तो एक साल का कितना चौबीस लाख तो दो लाख चौबीस लाख चेंज हुआ ना है रेंट अलग नंबर है ये, अलग नंबर है। अरे दो अलग एक महीने का रेंट कितना है दो लाख बारह महीने का कितना है चौबीस लाख रेंट तो चेंज हुआ तो रे, रेंट चेंज हुआ नॉट विद नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, इट द टाइम पीरियड इट द समझ में आ रहा है कि आपको ये तो जो कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस के साथ चेंज नहीं होता वो जो टाइम के साथ चेंज हो सकता है जो बोलो अच्छा रेंट समझो सैलरी समझो ये सुपरवाइजर है ये लड़की सुपरवाइजर है मेरी कंपनी में एंड उसका सैलरी है चालीस हजार महीने का तो टेल मी व्हाट इज मंथली सुपरविजन कॉस्ट फोर्टी थाउजेंड अरे मैं जो उसको पे कर रहा हूं मेरे लिए कॉस्ट है ना व्हाट इज क्वार्टरली सुपरविजन कॉस्ट वन लैख ट्वेंटी थाउजेंड वन लैख वाल सुपरविजन कॉस्ट फोर लैख एटी थाउजेंड तो अब बताओ ये सुपरविजन कॉस्ट चेंज हो रहा है कि नहीं मेरा किसके साथ चेंज हो रहा है के 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 साथ, के साथ हो रहा है है, क्या? नहीं, तो जो हिसाब से होता है, बट जिसको नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस से कोई लेना देना नहीं है That cost is fixed cost. Factory का इंश्योरेंस कोई लेना देना नहीं फैक्ट्री में कितने बने? का रेंट समझा क्या

तो मेरे लिए रेंट पेएबल ये कौन सा कॉस्ट है फिक्स है क्या वेरिएबल है क्या नहीं है सेमी वेरिएबल है कुछ पोर्सन फिक्स पोर्शन वेरिएबल समझा क्या बच्चों तो रेंट को फिक्स बोल सकते हैं क्या हम लोग ज्यादा ज्यादा ये बोल सकते हैं कि भाई मोस्ट ऑफ द टाइम्स रेंट इज अ फिक्स कॉस्ट कौन सा फिक्स है कौन सा वेरिएबल है अगर डायरेक्ट लिस्ट ही होता तो मैं लिस्ट दे देता कहानी खत्म कर देता ना यार यस और नो अच्छा समझो ये लड़की मेंटेनेंस मैनेजर है कंपनी में क्या है अच्छा मेंटेनेंस मैनेजर को सैलरी है ओके okay, समझो इसको सैलरी है पचास हजार रुपए पर मंथ पचास हजार रुपए प्लस ट्वेंटी प्लस रुपीज पर ब्रेकडाउन आर प्लस बोलो ट्वेंटी रुपीज पर मतलब मशीन ब्रेकडाउन का आर तो जितना ज्यादा आर ब्रेकडाउन रहेगा उतना ज्यादा मेंटेनेंस रहेगा ना इसलिए उसका सैलरी मैंने ऐसा फिक्स किया है अब बताओ उसका सैलरी पेबल मेरे लिए फिक्स कॉस्ट है क्या वेरिएबल है क्या क्या है सेमी वेरिएबल क्या है समझो ये मेरा एक डीलर है क्या है इसको कोई फिक्स सैलरी नहीं देता मैं और इसको मैं बोल रहा हूं भाई सेल सेल का 2%. का कमीशन कमीशन तुझे मिलेगा अब बताओ इसको जो पेएबल है वो है क्या वेरिएबल है क्या यस इट इज वेरिएबल तो ये सेमी वेरिएबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी फिक्स पोर्शन नहीं था तो कौन सा कॉस्ट फिक्स है कौन सा वेरिएबल है वो तो वहां का सिचुएशन बताएगा ना हमारे पास ऐसा कुछ लिस्ट नहीं है कि भाई ये फिक्स कॉस्ट है ये वेरिएबल है और ये सेमी वेरिएबल है तो बताओ फिक्स कॉस्ट क्या होता है हम बोलो द कॉस्ट विच चेंज मैं कल लिख के दूंगा आज से बता रहा हूं द कॉस्ट विच विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज फिक्स कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट बताओ बोलो द कॉस्ट विच चेंजेस विद द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज नोन एज

40000 तो बता नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस डबल हो गए कॉस्ट डबल हुआ क्या चेंज हुआ क्या अच्छा ये वेरिएबल था क्या आप तो बोले वेरिएबल था अरे ये वेरिएबल होता तो 10000 यूनिट्स के लिए अगर 30000 है तो 20000 यूनिट्स के लिए 60000 होना चाहिए था नहीं समझा आपको अगर ये पूरा का पूरा वेरिएबल होता तो नहीं समझा आपको अगर ये पूरा का पूरा वेरिएबल होता तो दस अरविन्ट्स के लिए अगर तीस हजार है तो बीस अर्ट के लिए क्या होना चाहिए था तो 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 ये वेरिएबल 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 होता होता अगर ही ही समझा क्या में पर यूनिट सेम आना चाहिए ना यार वेरिएबल में बोलो पर यूनिट तो सेम आना ही चाहिए ना दोनों जगह पे यस और नो तो ये कौन सा अच्छा कॉस्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ हुआ वेरिएबल है क्या नहीं है मतलब आपका डेफिनेशन गलत है आपने चेंजेस विद चेंज इन प्रोडक्शन कॉस्ट बट वेरिएबल नहीं समझा क्या आपको चेंज इन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इन द सेम प्रोपोर्शन इन द सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज वेरिएबल कॉस्ट समझता है आपको ये डेफिनेशन नहीं चलता ना यार बोलो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है हम बोलो द कॉस्ट विच चेंजेस with a change in volume of production in the same proportion is known as variable cost and tisra bahut simple hai if portion of the cost is fixed and portion is variable cost is said to be semi variable in nature cost is said to be semi variable in nature thoda bahut kuch clarity hai bachcho कल हम अपन इसको और डिटेल देखेंगे एंड कल हम इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने वाले बच्चों ठीक है So shall we stop here for the day? Yes. Thank you very much, Bachu.